हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तभी जाकर दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें और लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपनी जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा क्या नया वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, आप अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि हेल्थ है तो हेल्थ अच्छा है तो हमें हर चीज़ अच्छी लगेगी जीवन के अंदर, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे हम बाहर घूमने भी जाएं तो उसमें भी हमारा हेल्थ का मतलब हमारे जो लाइफ है हमारे हेल्थ का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्योंकि हेल्थ में कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा सुख निरोगी का है। मतलब आपका जो हेल्थ है उसका निरोगी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। मतलब क्योंकि जब हमारा शरीर में कोई रोग नहीं होता है, हम बेरोग होते हैं, निरोगी होते हैं। मतलब तो हमें मतलब हर चीज़, जैसे मैंने ये बताया कि चाहे हम बाहर कहीं भी घूमने फिरने जाएं या हम कोई भी चीज़ खाए पिए, मतलब या कोई भी चीज़ करें, मतलब हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, कहने का मतलब। तो आप सभी को पता ही होगा कि जैसे मान लो कभी कभी हमें कोई बीमार, हम बीमार पड़ रहते हैं, मतलब बीमार का मतलब कभी हमें बुखार आ जाता है या कभी लूज मोशन हो जाता है या कभी दस्त लग जाता है, तो इस टाइम हमारी जो हेल्थ खराब होने की वजह से हम मतलब क्या बोलते हैं, हम हेल्थ खराब होने की वजह से हम घर में ही रहते हैं। क्योंकि फिर हेल्थ खराब होगा तो आप बाहर जा ही नहीं सकते, तो उससे कई सारी चीज़ें नुकसान होती है। मतलब उससे आप क्या बोलते हैं, अगर हेल्थ खराब हो, मान लो बुखार आ गया तो आप घर में तो रहोगे, अगर आप मान लो वर्किंग पर्सन हो तो आप घर में रह रहे हो और आपको पहले तो आपको हेल्दी होना है, मतलब अपने जो बुखार वगैरह उसको ठीक करना है, उसमें आपको पैसे वगैरह भी लगेंगे और जो अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपके जॉब का भी नुकसान होगा। कहने मतलब तो कहने मतलब आपका हेल्थ सिर्फ खराब होने की वजह से, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से आपको कोई बीमारी हुई और जब कोई रोग हुआ मतलब, तो उसका आपने देखा कि उसके आपको एक तो आपको उस बीमारी पर अपना हेल्दी वापस हेल्दी होने के लिए आपको उस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना दवाई खाए या बिना मेडिसिन लिए आप वापस ठीक हेल्दी स्वास्थ्य नहीं हो सकते, तो आपने उस पर पैसे खर्च किया। दूसरा, आप जितने दिन जॉब पर नहीं गए उतना आपका वो पैसे भी कटते जाए, क्योंकि आप देखे हो कि आखिर टाइम जब जॉब पर जाते हैं तो वहाँ पर भी 9 या 10 घंटे की जॉब होती है। मतलब तो उसमें अगर आधे घंटे भी लेट पहुँचते हैं तो हाफ डे का छुट्टी वाला जाता है कई जगहों पर। मतलब तो उनका रोल होता है कहने का मतलब, कई जगह 10 मिनट लेट पहुँचते तो उनका अलग सिस्टम होता है। मतलब तो मतलब जितने दिन आप मतलब रोगी होने की वजह से जो आपने बीमार पड़े उसकी वजह से आपको जो छुट्टी हो जाए, आप ऑफिस जा रहे हो, मतलब वहाँ आपका सैलरी भी कटा। तीसरा, आपका शरीर को भी काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब क्योंकि उतने टाइम में आप कुछ जो भी आप खाते पीते थे आपको अच्छा नहीं लगता था, या जो भी आप दिन भर मतलब जब भी आप बीमार थे, मतलब जितने भी टाइम आप घर के अंदर ही थे और आपको बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब जब आपका हेल्थ खराब हो गया, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आप अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। मतलब तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर बीमारी हो जाती है तो कई सारे चीज़ें होती हैं, जॉब में लीव कटता है और शरीर को प्रॉब्लम अलग होती है, पैसे अलग खर्च करने पड़ते हैं बीमारी से ठीक होने के लिए। इसीलिए वो बीमारी ना हो, मतलब हम हमेशा निरोगी रहे, मतलब बेरोग के रहे, हमें कोई रोग ना हो, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का हम अगर फॉलो करें मतलब, तो हम अपने सेहत यानी हम अपने हेल्थ का अच्छा ख्याल रख सकते हैं अपने सेहत का। मतलब तो जैसे आजकल के टाइम में मतलब हेल्थ मतलब अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप कई चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं अपने खान पान के अंदर, और दूसरी चीज़ों को आप जैसे खान पान के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। मतलब जैसे कि हम एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा और वीडियो के अंदर आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। जैसे सुबह आप जल्दी उठने की आदत डालें, आप सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि सुबह आप जल्दी उठोगे 5-6 बजे तो उस टाइम एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट होता है बाहर की तरफ, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें पहला। तो जल्दी उठने के बाद फिर क्या करना है, आप 4-5 चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी होगा और आपको
आपको और ज़्यादा चुस्त तंदुरुस्त बनाएगा और फिट बनाएगा। जैसे आप सुबह उठ के योगा वगैरह कर सकते हैं, 5-10 मिनट योगा वगैरह के पोस्चर वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, आप सुबह उठकर खुलकर हंसिए, मतलब क्योंकि बहुत ऐसा कहा जाता है कि हंसना मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप घर में जैसे सभी लोग सो रहे हो, आप उठ जाते हो सुबह, आपको उठने की आदत है, छत पर जाइए और खुल के हंसिए 5-10 मिनट। हंसने से क्या होता है कि हमारी जो सांस लेने की जो क्षमता होती है, जो पूरी हवा जो होती है बॉडी के अंदर ब्रीथ करने लगती है। तो आप सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट खुलकर हंसिए, कहने का मतलब। तीसरी चीज, आप सुबह उठकर ओम चैंटिंग कर सकते हो आधे घंटे तक। ओम चैंटिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से क्या होगा, आपका दिमाग होगा एकदम शांत होगा, काल्म होगा, रिलैक्स होगा, और ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होगा। चौथी चीज़ आप कर सकते हो सुबह उठकर, आप मेडिटेशन कर सकते हो। एक तो होता है आप ओम की चैंटिंग कर रहे हो, दूसरा आप ओम की ध्वनि को सुन रहे हो, जिसका बहुत सारे वीडियोस जो होते हैं ऑडियो वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जहाँ पे आप उनको जाकर ईयरफोन लगाकर आप सुन सकते हो। वो भी आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपको काम करेगा, आपको शांत रखेगा और आपको हेल्थ को अच्छा बनाएगा। उसके अलावा सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करने भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डेली आपको कम से कम सुबह उठकर 1 से 2 किलोमीटर अपने कैपेसिटी यानी क्षमता के अनुसार कम से कम 3 से 4 किलोमीटर वॉक करना ही चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ही होगा। उसके बाद सुबह अब हमारा रूटीन आगे बढ़ता है, तो सुबह आपको नाश्ते में जैसे जूस वगैरह पीना चाहिए और जैसे दूध से रिलेटेड डेयरी चीज़ों को खाना चाहिए, मतलब जिसमें आपको प्रोटीन मिले, और जूस वगैरह आपको पीना चाहिए, और हेल्दी सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहिए। जैसे स्प्राउट्स, नट स्प्राउट्स होते हैं, मतलब जो जैसे चने का हो गया, मूंग की दाल के स्प्राउट्स होते हैं, मतलब इसको जैसे मूंग की दाल को, चने की दाल को भिगो के रख देते हैं और अगले मतलब 12 घंटे बाद वो फूल जाते हैं, तो उनको हमने गार के और उसके कपड़े में रख के मतलब दोनों को गांठ मार दिया, और 24 घंटे बाद जब हम देखते हैं तो हमें पीछे पीछे छोटे पूछे निकल आते हैं, मतलब वो अंकुरित हो जाते हैं कहने का मतलब। तो वो भी सुबह के टाइम हल्का सा जब वो अंकुरित होने के बाद वो कटोरे में निकाला धुलकर, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च टमाटर वगैरह डाला, प्याज वगैरह काट कर उसको हल्का सा नींबू रख डाल के नींबू के जूस को खाया, तो वो भी आपके सुबह मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए वो काफ़ी आपके लिए हेल्दी है। मतलब उसके बाद जो आपका आगे का रूटीन बढ़ता है वो बढ़ता है लंच की तरफ। लंच में अगर आप जॉब करते हैं मतलब, तो सुबह के टाइम अपने खाने के अंदर दोपहर का लंच होता है, उसमें आप दही रखिए, मतलब कुछ सैलेड में रखिए, खीरा वगैरह या प्याज वगैरह मतलब, और रोटी रखिए और चावल कम खाइए, क्योंकि चावल खाने से मतलब चावल खाना ज़्यादा अच्छे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब उससे मोटापा बढ़ता है कहने के मतलब से माना जाता है। तो रोटी ज़्यादा खाइए, चावल कम खाइए दोपहर में मतलब, और दही ज़रूर खाइए मतलब, क्योंकि दही के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये हो गया दोपहर का आपका खाना। उसके अलावा जब आप वापस घर जाते हो शाम के टाइम, अगर आप जॉब कर रहे हो, और यही चीज़ उनके लिए भी है जो घर में काम करते हैं या स्टूडेंट्स वगैरह हैं या छोटे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो बड़े कॉलेज के, तो वो भी सुबह उठकर कॉलेज जाते होंगे, तो वहाँ पर वो इस तरीके से खाना वगैरह बाहर मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, आप उनको परचेज करके भी खा सकते हैं। मतलब जब वापस शाम के टाइम जब घर पे आते हैं, तो रास्ते में एक जूस वगैरह पी लिया, जैसे सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में गाजर का जूस होता है, उसके अलावा संतरे का जूस आपको पीना चाहिए, जो कि इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आंवले का भी जूस होता है, मतलब आंवले का ग्लोई भी होता है, जिसको आपको पीना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे अपने हमें अपने बालों को घना रखना है एकदम और काले रखना है, मजबूत रखना है, तो उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी किस में होता है, खट्टी चीज़ों के अंदर। खट्टी चीज़ें क्या होती हैं, संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू वगैरह हो गया, तो इनको भी आपको अपने डाइट में डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना ही चाहिए, ताकि आपके बाल हमेशा घने रहे, अच्छे रहे और मजबूत रहें। और रात के खाने में जैसे मैं बताया, जब आप रात का खाना खाते हो तो उस टाइम पर आप दही सैलड वगैरह और अरहर की दाल होती है या उड़द की दाल होती है, मतलब जिसमें जिस दाल दालों के अंदर प्रोटीन एक्चुअली ज़्यादा होता है, तो आपको उन दालों में मतलब दाल तो होता है साथ में, आप उसमें जैसे पालक डाल सकते हैं 200 ग्राम या 300 ग्राम एक पाव डाल सकते हैं जब दाल को बनाते हैं, इससे क्या होगा दाल में और ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा, मतलब और गाढ़ा भी हो जाएगा और आयरन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी। हरी चीज़ों के अंदर अढ़ा तक आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है मतलब, तो आपको हरी चीज़ें जैसे पालक वगैरह हो गया, बथुआ वगैरह हो गया, पालक तो 12 महीने मिलता है, बाकी बथुआ हो गया या मेथी हो गया, ये सब सीजन के हिसाब से मिलता है। तो मतलब आपको अपने खाने में हरी सब्जियों का भी अच्छे से उनको खाना पीना चाहिए अपने, मतलब जो भी आपके दिन चल रहे होते हैं। और फिर एंड में जाकर आप जब सोने का टाइम आता है, तो आपको थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। तो अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो आपको 10 बजे तक सोने की आदत डालनी चाहिए, मतलब अगर आप 10
10:30 या 11 तक मैक्सिमम सो रहते हैं, सुबह आपको 6-7 घंटे की आपको आराम से नींद मिल जाएगी, और इस तरीके से आप अपने हेल्थ का अच्छा ख्याल रख पाएंगे दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टिप्स पसंद भी आए होंगे दोस्तों। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, तो ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपना ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड एक मोटिवेशन के थ्रू, जिसका हमारा आज का टॉपिक है हमेशा हेल्दी फूड खाएं। मतलब आप अपने जीवन के अंदर हमेशा हेल्दी फूड ही खाएं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा हेल्थ है, मतलब हमारा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। मतलब अब हेल्थ का रोल हम अलग अलग एज लेवल पर लेंगे, मतलब पहले हम एज लेवल पर बात करेंगे, अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो हम किन कामों को अच्छे से कर सकते हैं, और हेल्थ अच्छा नहीं तो हम क्या उनसे उससे हमें क्या हानि होगी, फिर हम बात करेंगे हेल्दी फूड खाने के बारे में। दोस्तों ये देखो, आजकल के टाइम में हमारे सामने खाने के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल, एक तरह हमारे पास स्ट्रीट फूड भी होता है जैसे टिक्की, मोमो, समोसा, चाउमीन, बर्गर वगैरह, गोलगप्पे, दूसरे हमारे पास हेल्दी फूड के ऑप्शंस भी हैं, स्ट्रीट फूड के ऑप्शन भी हैं, ऑयली फूड भी बहुत सारे होते हैं, मतलब जो बहुत सारे तली हुई चीज़ें होती हैं, मतलब ये हमारे पास खाने के ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे हेल्थ में, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप किसी भी काम को अलग अलग एज लेवल की बात करें, तो मान लो कोई स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट मतलब चाहे वो मतलब पहले दूसरी का हो, नर्सरी के जी का हो, या बड़ी क्लास का हो, या कॉलेज का क्यों ना हो, अगर स्टूडेंट का हेल्थ अच्छा है मतलब, तो वो उसको जो भी काम वगैरह मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, या उसको क्लास वर्क मिलेगा, जो भी असाइनमेंट मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, अगर उसका हेल्थ अच्छा है एकदम, वो अच्छे से खा पी रहा है मतलब, और अच्छी चीज़ों को खा रहा है मतलब, तो उसका जब हेल्थ अच्छा होगा तो ही वो जो भी उसको काम वगैरह मिलता है, होमवर्क, क्लास वर्क या प्रोजेक्ट या कोई भी टास्क मिलता है, तो उसको अच्छे से कर पाएगा और उसको टाइम पर कंप्लीट करके फिर वो आगे बढ़ पाएगा और अच्छे मार्क्स वगैरह अपनी क्लास में ला पाएगा। और अगर वो क्या बोलते हैं, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है और वो मतलब ऐसी चीज़ें खा के जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, मतलब जैसे मैंने बताया कि हेल्थ हमेशा हेल्दी फूड खाएं, अगर हेल्दी फूड नहीं खाता है, अगर वो ऐसी चीज़ें खाता है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, मतलब कभी कभार ठीक होती है बट ऑलवेज मतलब डेली के लिए ठीक नहीं होती है मतलब, तो अगर वो ऐसी चीज़ खाता है जैसे मोमोस हो गया, टिक्की, बर्गर, समोसा, चाउमीन या पिज़्ज़ा वगैरह, तो ये अगर ऐसी चीज़ में हेल्थ टेस्ट होता है बट हेल्थ नहीं होता है ना, अगर कोई बंदा ऐसी चीज़ खाता है मतलब, तो टेस्ट में तो अच्छे होंगे बट आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे, आप बीमार भी पड़ रहा होगा, तो बीमार पड़ोगे तो क्या होगा, आप होमवर्क नहीं कर सकते, क्लास वर्क नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करोगे, सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, अगर आपका सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगा तो जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है या जो भी आपका आगे का टेस्ट वगैरह होगा उसमें आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे तो अच्छे नंबर से पास भी नहीं हो पाओगे, और जो अच्छे नंबर से पास नहीं होगे तो आपको अगले क्लास में फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, यानी आगे जीवन में और जो आपके क्लास और जो आपकी स्टडी लाइफ है उसमें आप अपने आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जब हेल्थ अच्छा है तभी आप अच्छी मतलब चीज़ों को अच्छे से याद कर पा रहे हो और चीज़ों को टाइम पर कंप्लीट कर पा रहे हो। दूसरी तरह हम बात करते हैं वर्किंग लेडीज़ की, मतलब कि अगर मान लो जो वर्किंग मैन या वुमेन की बात करते हैं, जो बाहर जाकर जॉब करते हैं वगैरह हैं, तो अगर वहाँ को जाए वुमेन है या मैन है या बॉय या गर्ल, अगर वो हेल्दी हैं और हेल्दी हैं तो हैप्पी भी होंगे, हेल्दी होंगे तो उनको जो भी बॉस उनको ऑफिस में काम देता है, वो जैसे आजकल के टाइम अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के जॉब करते हैं, कोई होम डिलीवरी का काम करता है, कोई पैकिंग का काम करता है, कोई डाटा एंट्री का काम करता है, कोई कॉलिंग का काम करता है, कोई हिंदी इंग्लिश कॉलिंग करता है, कोई सेल्स का करता है, कोई मार्केटिंग का करता है, कोई प्रमोशन का काम करता है, कोई मतलब सबका अलग अलग फील्ड है, कोई किसी का खुद का अपना बिजनेस है, मतलब कोई खुद की दुकान चलाता है, मतलब तो मेरा कहने मतलब चाहे आप कोई किसी भी तरह का कोई भी काम आप करते हो, जब आप अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप उस काम को अच्छे तरीके से
अच्छे तरीके से और पूरे बेटर रिजल्ट के साथ और पूरे बेटर एफर्ट फोकस के साथ वो चीज़ को कर सकते हो। मतलब जब आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप किसी भी काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और उसमें आप बेटर रिजल्ट भी अपना दे सकते हो। जैसे अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा कोई बीमार हो गया, बुखार आ गया, लूज मोशन हो गया या कोई भी बीमारी हो गई, मतलब उससे क्या होगा, आपको छुट्टी भी हुई, आपने घर में दवाइयाँ वगैरह खाई, मेडिसिन वगैरह खाई तो छुट्टी हुई, तो आपको वहाँ से अब्सेंट हुआ, अब्सेंट हुआ तो आपकी सैलरी कटी। दूसरा आपने क्योंकि आपको बीमार पड़ गया, मतलब तो जितने दिन आप घर में रहोगे उतने दिन आपको दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ेंगी, दवाइयों पे एक्सपेंस अलग हुआ, आपका पैसा अलग कटा और आपकी जो शरीर था वो अलग से आपको उससे तकलीफ मिली इस बीमारी से। मतलब तो ये कैसे हुआ, हेल्दी फूड ना खाने की वजह से। तो यहाँ पर हमने हेल्दी फूड को ही देखा। इसी तरह हम देखते हैं जो घर में लेडीज़ वगैरह काम करती हैं, मतलब उनका जो पूरा दिन होता है पूरे वर्क पर चलता रहता है। कि मान लो जो हाउस वाइफ होती हैं, सुबह उठते ही अगर उनका बच्चा है मतलब तो हस्बैंड के लिए खाना, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, घर में अगर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए सुबह उठकर ब्रेकफास्ट तैयार किया, फिर बच्चे को स्कूल के लिए रेडी किया, उसको स्कूल तक या बस में छोड़ के आए, मतलब फिर हस्बैंड के लिए लंच तैयार किया, फिर घर का सुबह का सारा काम करने के बाद फिर बर्तन वगैरह धोने, फिर दोपहर का खाना तैयार करना है, फिर दोपहर के बाद वो बीच का टाइम होता है उसमें कपड़े वगैरह हैं तो धुल लिया, दूसरे घर के काम किए, क्लीनिंग वगैरह के, फिर शाम को फिर से वापस घर का मतलब शाम के जो रात के खाने की तैयारी में लग गए हैं। तो पूरा जो दिन है एक काम पर एक चक्कर की तरह मतलब सर्कल की तरह चल रहा है। तो अगर यहाँ पर आपका हेल्थ खराब हो गया तो घर का, क्योंकि आप इतने सारे घर में काम करते हो जो हाउस वाइफ होते हैं, मतलब उनका पूरा एक चक्कर चलता रहता है दिन में, मतलब हर एक काम करने में अगला आपको काम मिल जाता है। तो अगर आप बीमार पड़ गए इससे क्या होगा, फिर क्योंकि आप भी काम करते हो तो आप बीमार पड़ रहे हो तो बाकी घर के काम, क्योंकि आप उसको अच्छे से कर रहे हो तो बाकी घर के मेंबर को फिर उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको टाइम पर सुबह के टाइम उनको ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं मिलेगा, आप कपड़े में धुले हुए मिलेंगे, बर्तन से तो धुल नहीं पाएंगे, मतलब तो कहने वाला बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, मतलब और आपकी बॉडी को अलग नुकसान होगा कहने का मतलब। तो कहने वाले आप बीमार पड़े जो हाउस वाइफ है मतलब, तो उससे भी कई सारे प्रॉब्लम्स हुई मतलब। तो और ये कैसे हुआ, हेल्दी फूड ना खाने की वजह से, क्योंकि अगर हम हेल्दी फूड, जैसे मैंने बताया कि जो वैसे फूड होते हैं तो टेस्ट में अच्छी होती है, समोसा टिक्की, चाउमीन, बर्गर, समोसा, पिज्ज़ा, जो भी होता है खाने का, मतलब हॉट डॉग या नॉन वेज, कई लोग वैसे भी चीज़ खाते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब जो टेस्ट में अच्छी होती है बट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो आपको उन चीज़ों को मतलब कई कई बार खाना है, नॉट डेली, मतलब डेली नहीं खाना, और आपको हेल्दी फूड अपने खाने में लाना। अब हम बात करें हेल्दी फूड खाने की, अभी हमने बात किया अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाते तो इस तरीके से हो सकता है और हेल्दी फूड खाते हो तो ऐसे ऐसे होगा। अब हम बात करें आप हेल्दी फूड कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हो, तो हम बात करेंगे आपको अपने डेली खाने के अंदर, सुबह खाने में आपको सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो तो आपको जो अंकुरित चने होते हैं या मूंग की दाल होती है, मतलब आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, आपको सुबह के टाइम जूस पीना चाहिए, आपको सुबह के टाइम दूध पीना चाहिए कहने मतलब, इस तरीके से सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और फिर दोपहर का आप खाना खाते हो उसमें दही रखना चाहिए, सैलड रखना चाहिए, टमाटर हो, खीरा हो, प्याज हो, मतलब या मूली हो, मतलब कोने को सैलड होना चाहिए और दही रख के खाना चाहिए। जो आपका रात का खाना होता है उसमें भी आपको सैलड हो गया और सैलड के साथ साथ दही बताया या रायता वगैरह हो गया, रायता बूंदी वाला रायता होता है और दूसरा रायता होता है वेज रायता जिसमें आप टमाटर, खीरा, प्याज वगैरह डाल के बना सकते हो, तो वो भी खट्टा ही होता है, दही से ही बनता है, तो आप उसके नाम पर रायता बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाएगा कहने के मतलब। आप फ्लेवर चेंज करके भी रायता वगैरह शाम के टाइम जब खाना खाते हो उसमें अरहर की दाल हो गई, उसमें प्रोटीन होता है, और ज़्यादा उसको करने के लिए तो हरी सब्जियाँ हो गई, जैसे हरी सब्जियों में पालक जो होता है सीजन के हिसाब से तो वो 12 महीने मिलता है, लेकिन गर्मियों में एक्चुअली कम मिलता है क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा मिलता है। तो सर्दियों के मौसम में बथुआ, मेथी, पालक और चौराई का साग होता है, मतलब नारी का साग होता है, बहुत सारे साग के अलग अलग प्रकार होते हैं मतलब। तो हरी सब्जियाँ, रसमूली का साग भी होता है, तो आपको हरी सब्जियाँ जब सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मिलती है तो आपको उनको ज़्यादा खाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी की तरह जैसे कि आपको पता ही होगा बालों के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने बालों से प्यार होता है मतलब, तो बालों के लिए विटामिन सी जरूरी होता है आपको अपने हेल्थ रखने के लिए। तो हमने हेल्दी फूड खाया फिट रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। अब बालों की बात करेंगे, बाल भी आपके हेल्थ का ही पार्ट है, कई लोग क्योंकि बाल जो हेयर फॉल होता है टूटते हैं उनको स्ट्रेस हो जाती है, तो बालों के लिए आपको विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी किन चीज़ों में होता है, खट्टी चीज़ों के अंदर। तो आपको दिन भर जैसे मैंने बताया कि आपको संतरा वगैरह खा लेना चाहिए,
या नींबू नींबू खाना चाहिए या आंवला खाना चाहिए। आंवला संतरा वगैरह सीजन के हिसाब से मिलता है, नींबू हो गया और आंवला भी सीजन के हिसाब से मिलता है, लेकिन नींबू तो 12 महीने मिलता है, कभी महंगा मिलता है कभी थोड़ा सस्ता मिलता है। तो नींबू आप डेली एक नींबू एक नींबू को निचोड़ के आप एक गिलास पानी पी सकते हो। मतलब उसके अलावा जब मौसम आता है संतरे का आंवले का, तो आंवले की कैंडी वगैरह भी आते हैं, आंवले का मुरब्बा भी आता है। आंवले का मुरब्बा आप खरीद के मार्केट से खा सकते हो, और संतरे का जूस हमेशा मिलता रहता है मार्केट के अंदर जो विटामिन सी होता है, तो आप संतरे का जूस पी सकते हो। जब आपको जब मौसम में तो संतरा खा सकते हो, मौसम में तो संतरे का जूस पी सकते हो। इससे क्या होगा, आपके बालों को भी विटामिन सी मिलेगा और आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को जल्दी सोने आदत डालनी चाहिए। तो ये बहुत सारे चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे अपने लाइफ के अंदर, तो आप अपने हेल्थ का अच्छा ध्यान रख पाओगे, कहने का मतलब। और हेल्थ का अच्छा ध्यान रखोगे किसके थ्रू, हेल्दी चीज़ों को खाते हुए। तो हमेशा आपको जैसे मैंने बताया, आपको हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, मतलब और हेल्दी फूड खाकर अपने आपको अच्छा रखना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जल के ऊपर, यानी वाटर के ऊपर, जल ही जीवन है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर चाहे हम किसी भी चीज़ को ले लें, चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, या जो पानी में रहने वाले मछलियों की बात करें, या इंसान यानी मनुष्य की बात करें, मतलब हर प्राणी को मतलब जल चाहिए ही, वाटर चाहिए ही, मतलब क्योंकि वाटर के बिना कुछ भी कि मतलब जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्या नहीं मतलब हर एक व्यक्ति को जीने के लिए वाटर की आवश्यकता है। मतलब क्योंकि जैसे आपने देखे हो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे संसार के अंदर अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के पशु पक्षी रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, और बर्ड्स रहते हैं, इंसान रहते हैं, और अलग अलग प्रकार की वनस्पति यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मतलब और सब में और हर चीज़ को पोषण देने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जल। मतलब क्योंकि चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वनस्पतियाँ हों, मतलब या फिर जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो हों, सबको पानी की ज़रूरत है आजकल के टाइम में, और जल ही जीवन है। और आप सभी को पता ही होगा आजकल के मतलब जो आजकल हमारे वर्ल्ड के अंदर कई जगहों पर धीरे धीरे पानी की शॉर्टेज होती जा रही है, मतलब पानी की कमी होती जा रही है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि आज के 30-40 साल पहले जो ग्रामीण इलाके हुआ करते थे, तो ग्रामीण इलाकों में एक्चुअली क्या, हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो गाँव में रहते थे, मतलब तो वो और उनके भी जो पेरेंट्स वो भी गांव में रहते थे, और हमारे जो पेरेंट्स थे उस टाइम छोटे थे, मतलब तो बताते हैं कि उस टाइम हर गांव के अंदर, आज भी हम गांव में रहते हैं तो वहां पे हैंडपम्प लगा होता है, हैंडपम्प के अंदर उस टाइम काफ़ी इतना शुद्ध पानी आता था कि आपको किसी आर ओ वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि आज से 40 साल पहले इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी मतलब आर ओ वगैरह की, तो डायरेक्ट लोग हैंडपम्प का मतलब हैंडपम्प से पानी निकाला, ठंडा पानी, और उसको पी लिया करते थे, मतलब क्योंकि उस टाइम इतना प्रदूषित नहीं था पानी। बट और उस टाइम जो खा मतलब उस टाइम जो खेतों में सिंचाई वगैरह भी होती थी, तो उस टाइम क्योंकि मिट्टी की उर्वरता उस टाइम ज़्यादा थी, मतलब तो उसके कारण मतलब पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं होता था। आजकल के टाइम में जो जैसे खेतों में खाद वगैरह डालते हैं, तो खाद वगैरह डालने से मतलब फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन खाद वगैरह डालने के बाद जो उसमें तत्व होते हैं, मतलब तो मिट्टी में कई सारे, जैसे आजकल मिट्टी भी क्योंकि बोलते प्रदूषित होती जा रही है, जब तक अगर खाद ना डालो तब तक उसमें अच्छे से क्या बोलते हैं अनाज नहीं उगता है, क्या नहीं मतलब। तो जो आज के 40 साल पहले हमारा मिट्टी की जो एक शक्ति हुआ करती थी, या पानी की जो गुणवत्ता हुआ करती थी, मतलब आजकल के टाइम में वो पहले जैसे नहीं है। इसलिए आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि पिछले लास्ट 10 सालों से हम देख रहे हैं, जैसे अगर जो जहाँ तक मेरे को अपने होश की बात है कि मैं देखता हूँ जो मेरे ढाबे पे काम करने जाता हूँ, मतलब या
कई ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ वहाँ पे आर ओ की मशीन लगी होती है, मतलब आर ओ का पानी, मतलब जो पानी को फिल्टर कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है, कहने का मतलब जो आजकल का पानी आ रहा है मतलब जमीन के अंदर, इसको हम मतलब हम तो हम डायरेक्ट हम पी ही नहीं सकते कहने का मतलब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। तो उसको हम पहले फिल्टर करते हैं, फिल्टर के लिए हम अपने घर में आर ओ लगाते हैं, और आर ओ की जो मशीनें होती काफ़ी महंगी आती हैं, और उसमें भी आप मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन आर ओ की मशीन जो अच्छी वाली होती है लगाने के बाद, उसमें ऐसा माना जाता है कि आप अगर वो 10 लीटर का उसमें अगर वो टैंक लगा हुआ है, तो जिसमें से 2 या 3 लीटर पानी ये वेस्ट ही हो जाता है, उसके अलावा जो पानी होता है उसको फिल्टर करने में बहुत पानी वेस्ट भी होता है, मतलब वो ख़राब होकर निकल जाता है, बाकी जो पानी बचता है वो आप पीने लायक होता है कहने मतलब। तो कहने का मतलब आजकल के टाइम में पानी काफ़ी तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है, और काफ़ी तेज़ी से पानी की कमी भी होती जा रही है। लोकल कॉलोनी में आजकल हम देखते रहते हैं, हमारे यहाँ पे मेरे घर में आर ओ तो नहीं लगा हुआ, लेकिन मेरे मतलब आसपास पानी की बोतलें मिलती हैं 20-20 रुपए की या 30-30 रुपए की, मतलब तो हम लोग जैसे पानी की बोतलें मंगाते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट पानी आता है मतलब कॉलोनी वाला, तो वो पानी सिर्फ आप नहाने के लिए या कपड़े वगैरह धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आप डायरेक्ट पी ही नहीं सकते मतलब। तो कहने का मतलब आजकल के टाइम में मतलब क्योंकि पानी का जो जल स्तर है, मतलब जो जमीन के अंदर उसका जो जल स्तर है काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है, क्योंकि जो पानी कैसे आता है, पानी वर्षा से आता है, वर्षा मतलब जो बारिश होती है उसके थ्रू पानी आता है, तो आज के 40 और वर्षा कैसे होती है, पेड़ पौधों की बरस से होती है, पेड़ पौधे जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि इसी के थ्रू एक साइकिल जो चक्कर होता है वो चलता रहता है मतलब। लेकिन आज के 40 साल पहले जो मतलब जैसे पूरे विश्व में जो पेड़ पौधे थे, या मतलब जो भी मतलब जहाँ जहाँ पे भी हरे भरे जो जंगल वगैरह थे, तो काफ़ी जगह जैसे लोगों ने जैसे काटा पेड़ पौधों को, या वहाँ पे कॉलोनियाँ वगैरह बनी या जगह वगैरह बने, तो आज के मतलब 40 साल पहले का जो कंडीशन और आज का कंडीशन में काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। आजकल कई जगह जैसे खेतों में तब्दील होने के कारण, मतलब जो जंगल थे उनको खेतों में बनाया ताकि वहाँ पर अनाज उगा सके कहने का मतलब, तो कई सारे अलग अलग देशों में कहने का मतलब। तो आजकल जो पहले कंडीशन था आज के कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है मतलब। और पानी क्योंकि अब पूरे जो विश्व की पॉपुलेशन अराउंड 7 अरब यानी 700 करोड़ है मतलब, जिसमें से सिर्फ 2 कंट्रियों की बात करें, इंडिया और भारत की बात करें, तो मतलब ये दोनों ऐसे इंडिया और चीन, सॉरी तो चीन और अगर भारत, चीन और भारत की बात करें तो ये दोनों कंट्री ऐसे जिनकी कुल आबादी 100 करोड़ से ऊपर है मतलब। तो कहने का मतलब जब इतनी आबादी हमारे विश्व के अंदर होगी, तो सबको ये तो हो गई मनुष्य की आबादी मतलब, और मनुष्य को चाहिए पानी, वो भी साफ पीने के लिए, क्योंकि अगर आप खराब पानी पियोगे, प्रदूषित पानी पियोगे, तो इससे आपको कई सारे बैक्टीरिया होने के भी मतलब, कई सारी बीमारियां होने के भी चांस है प्रदूषित पानी पीने की वजह से। तो यहाँ पे हमने बात की कि मतलब पानी मनुष्य को चाहिए, उसी तरह हम देखते हैं सेकंड स्टेज पे कि जो जानवर होते हैं हमारे आसपास, चाहे वो गली के अंदर हम डॉग्स वगैरह को देखते हैं, हवा में उड़ते हैं, पक्षी वगैरह को देखते हैं, उनको भी पानी पीने के लिए चाहिए। तीसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हर कोई अपने घर में पेड़ पौधे लगाता है, जंगलों में पेड़ पौधे आजकल बहुत सारे, जैसे अमेजोन के जंगल वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं मतलब, तो उनको भी पानी चाहिए कहने के मतलब। चौथी तरफ देखते हैं जो जमीन के अंदर जीव जंतु रहते हैं, उनको भी पानी चाहिए मतलब। पानी जो है वो हर किसी को चाहिए जो भी इस पृथ्वी पर रहता है। तो कहने मतलब सीधा साधा बात यही है कि जल जो है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा एक, जिसे बोलते हैं मतलब, बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए प्रमुख संसाधन हो गया है मतलब। क्योंकि अगर जल नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते। जल के बिना हम खेतों की सिंचाई नहीं कर सकते हैं, जल के बिना हम जो हमारे पेड़ पौधे हैं जो हम घर में लगाते हैं या हम बाग बगीचों में लगाते हैं, अगर पानी ना हो मतलब तो हम उनको पानी ही नहीं देंगे तो वो पेड़ पौधे हैं मर जाएंगे मतलब। पेड़ पौधों के लिए भी पानी का होना बहुत ज़रूरी है मतलब, और खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी डालेंगे तभी वो फसल उगेगा और तभी अनाज पैदा होगा मतलब, जो कि मनुष्य को खाने के लिए अनाज चाहिए मतलब। तो खेतों की सिंचाई के लिए हो गया, पेड़ पौधों के लिए हो गया, जो जीव, जो जानवर, जो जलीय जीव होते हैं मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको भी अपना जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसे मछलियाँ हो गई या जो मगरमच्छ हो गए या
और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जैसे मगरमच्छ हो गया, या ऑक्टोपस हो गया, या मेंढक हो गया, सांप हो गया, कई सारे ऐसे कछुआ हो गए, कई सारे ऐसे जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो उनका मैं क्या है वो पानी से बाहर रह ही नहीं सकते, मतलब तो पानी में रहेंगे तभी वो जिंदा है, अगर पानी ना हो तो वो भी जिंदा नहीं रह सकते। तो कहने मतलब पानी भी उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह हम बात करते हैं वैसे जीव जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं या जो बहुत खतरनाक जीव होते हैं वो जंगलों में दिखते हैं, शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, और जो नॉर्मल हमारे गलियों में गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चूहा हो गया, तो कोई सारे जीव जंतु की हम बात करें मतलब उनको भी जीने के लिए पानी चाहिए ही। तो कहने का मतलब जहाँ पता चल ही चुका है कि जल ही जीवन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जलीय जीव हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, मतलब चाहे वो वनस्पति ही क्यों ना हो, हर किसी के लिए जल का उसके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी जो प्राणी है, वनस्पति है, जलीय जीव जंतु है, कोई भी जल के बगैर नहीं रह सकता, मतलब क्योंकि हर किसी को जीवन जीने के लिए जल चाहिए ही। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हमें जब पता चल गया है कि हमारी लाइफ में जल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जल के बिना कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता है, और जिस तरीके से मतलब जल प्रदूषित हो रहा है, तो हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, और जल को विभिन्न तरह से जो वेस्टेज होता है उससे भी हमें उनको बचाना चाहिए, जल को प्रदूषित होने से भी और वेस्ट होने से भी। जैसे हम पानी नहाते वक्त हमें बाल्टी के पानी का यूज़ करना चाहिए, ना कि पाइप लेके कई लोग, या शावर का होता है, ब्रश करते वक्त हमें मग्गे में पानी का यूज़ करना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो, और नल को खोल कर नहीं यूज़ करना चाहिए। गाड़ी को धुलने के लिए साफ पानी का यूज़ ना करें, मतलब जो कपड़ा धुलते हैं उसी से आप गाड़ी को भी आप साफ कर सकते हो, कहने मतलब। तो वही सारे ऐसे टिप्स हैं मतलब जो कि आप देख सकते हो, उनका फॉलो करोगे तो पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हो, और जल का जो महत्वपूर्णता है, उसकी प्राथमिकता और जो उसका प्रमुखता है हमारे जीवन में, उसका आप समझ सकते हो मतलब। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो जल ही जीवन पर, मतलब आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल को बचाइए और जीवन को बचाइए, जल को बचाकर। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाकर दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ का अपडेट देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने हमें ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि अपने जीवन के अंदर अपने ड्रीम को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे अचीव करें, यानी अपने जीवन के अंदर अपने ड्रीम को हम कैसे प्राप्त करें, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा विश्व है, हमारा वर्ल्ड है, उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और हर व्यक्ति की लाइफ आजकल काफ़ी भाग दौड़ वाली है, मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी, अपने अपने काम के हिसाब से, और चाहे वो कोई जॉब करता हो, चाहे को वो स्टूडेंट के रूम में कहीं पे स्टडी करता हो, या कोई भी हो, मतलब हर व्यक्ति का या फिर कोई बिजनेस करता हो, मतलब तो हर व्यक्ति अपने आप अपने अपने काम को लेकर बिजी है। और इस वर्ल्ड के अंदर आप सबको पता ही होगा कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते ही हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हाईली रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास और नॉर्मल क्लास। तो जो हाई रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास मतलब रिच होने के कारण उनके पास सारे सुख सुविधाएं हैं, सारे फैसिलिटी हैं, बड़े बड़े घर हैं, और बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ वगैरह है, नौकर चाकर वाला, तो वो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही होती है मतलब, और वो जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होता है। और दूसरी तरफ हम मिडिल क्लास फैमिली को देखते हैं, उनके पास भी लगभग घर बड़ा तो नहीं लेकिन उनका अपना घर होता है, गाड़ियाँ वगैरह भी होती है, और अच्छे पढ़े लिखे होते हैं मतलब, और उनका जीवन भी अच्छे से चल रहा होता है। तीसरी तरफ हम बात करेंगे नॉर्मल क्लास और सिंपल क्लास फैमिली से, ये वो लोग होते हैं जो जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती है, और वो बहुत ही सिंपल होते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे जैसे दिल्ली जैसी सिटी में गांव से जैसे यूपी बिहार या झारखंड या उड़ीसा के जो गांव होते हैं वहां से लोग दिल्ली यानी शहरों की तरफ आते हैं
दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, या जो बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं वहाँ पे लोग जॉब की तलाश में जाते हैं और वहीं पर जॉब भी करते हैं और रूम को रेंट पर लेकर वहाँ पर रहते हैं। वो इसलिए कि मतलब ताकि वो कुछ पैसे कमा कर अपने घर बार चला सके, अपने घर की नीड्स को पूरी कर सके, अपने अपने फैमिली को अच्छे से संभाल सके और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करते हुए अपने जो उनके बड़े और बच्चे हैं मतलब उनको एक अच्छा लाइफ दे सके कहने मतलब। तो सबकी लाइफ अपने अपने हिसाब से चल रही होती है मतलब। जो क्या बोलते हैं सिंपल क्लास से होते हैं उनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, क्योंकि कई लोग के पास रेंट पर रहते हैं, कई के पास गाड़ी भी नहीं होती, सुबह ऑटो या बस से रहते हैं, कई लोग साइकिल से और जहाँ पे उनका ऑफिस होता है जहाँ पे वो काम कर जाते हैं तो रहते हैं। तो कहने का मतलब जब कोई इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है मतलब, चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो मतलब, तो पैदा होने के बाद एक्चुअली जो उसका जो 1 से 3 साल तक का एज होता है मतलब, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है मतलब, तो 1 से 3 साल तक वो बच्चा होता है खाना पीना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है। तो इन 1 से 3 साल तक के टाइम में वो यही 2-3 चीज़ें करना सीखता है। लेकिन जैसे ही वो क्या बोलते हैं 4 चौथे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल होता है जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर 6ठे से लेकर 10th तक जिसको हम सेकेंडरी, और 6ठे से लेकर 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरा स्कूल होता है वो होता है प्राइवेट जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करते हुए फिर आगे की 12th और कॉलेज के स्टडी होती है। तो उस बच्चे को जैसे ही 14 साल में प्रवेश करता है उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। देन वो जो बच्चा होता है वहीं से अपने स्टडी लाइफ स्टार्ट करता है और हर साल एक क्लास को वो पास करता हुआ जाता है। लेकिन जैसे कि होता है कि वो 4 साल चौथे साल में स्कूल में डाल दिया रहता है तो उसका ऐसा माना जाता है कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है मतलब, किसी बच्चे के लिए, किसी बच्चे के जीवन का जो होता है वो एक चाइल्डहुड टाइम होता है मतलब। तो इस टाइम में मतलब इस पीरियड के अंदर मतलब बच्चा पढ़ाई तो करता है लेकिन ज़्यादातर जो उसका टाइम होता है जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उसी के हम उम्र के मतलब वो उनके संग उसको रहना, उनके संग खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है मतलब, चाहे गली में हो, स्कूल में हो, या घर में हो, या क्लास में हो, उनके संग वो फ्रेंडशिप करता है, उनके संग को खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। गलियों में उनके संग खेलना, कई बार चोट भी लगती है, कपड़े भी गंदे, धूल मिट्टी भी लगती है, बट उसको इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा रोता है या दुखी होता है, फिर वापस से वो फिर से खेलने की मूड में हो जाता है। तो खेलने मतलब उसको खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छा लगता है हम उनके बच्चों के साथ। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है मतलब वो फिर वो सिंसियर धीरे धीरे सिंसियर मतलब धीरे धीरे फिर उन्हें दिमाग को यूज़ करने लगता है और चीज़ों को समझने लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो कपड़े नहीं गंदे करता है, उसे पता होता है कपड़े गंदे करूँगा हमें मारेगी, उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी गंदे होने के कारण, टीचर मारेंगे हमें, प्रिंसिपल मैडम डांटेंगी, और क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे भी अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनना है। वो ये भी देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब के दादाजी हों नाना जी हों, उन्होंने अपने टाइम में अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे जाकर अपना पूरा पूरा लाइफ निकाला और हमारे घर को संभाला मतलब, उनकी नीड्स को पूरी की। इस तरीके से जो मेरे फादर भी हैं वो भी आज कहीं ना कहीं मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने अपने 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 जीवन में अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाकर आज हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी सारी जो हमारी नीड्स होती हैं लाइफ, हमें अच्छे हमारी अच्छी स्टडी हमें करा रहे हैं कि हम जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सकते। तो इन चीज़ों को देखता है वो भी यही सोचता है कि मुझे भी आगे जाकर कितना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना ही पड़ेगा और आगे जाकर मुझे भी इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा। तो जैसे कि आजकल जहाँ तक करियर बनाने की बात है तो आजकल बहुत सारे हमारे पास फील्ड अवेलेबल है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, ट्रेनर, जिम ट्रेनर भी बन जाते हैं मतलब। उसके अलावा सिंगर, डांसर और सॉन्ग्स राइटर मतलब, और फोटोग्राफर मतलब जो भी आप, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जरूरत है तो आपको जो आपका इंटरेस्ट है जिसमें आप बनना चाहते हो उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि जो भी आपके लाइफ का ड्रीम यानी जो आपने अपने लाइफ में आप बनना चाहते हो, जो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरा ये ड्रीम है या मैं ये बनना चाहता हूँ मतलब, तो जैसे कि कोई भी चीज़ आप लाइफ में बनना चाहते हो वो इतना ईजी नहीं है, आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जिसको चार पांच अगर जो भी अभी मैं आपको 4-5 रूल्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप बहुत ही मतलब मेहनत तो वो करनी पड़ेगी लेकिन आपको एक वे पता चल जाएगा, रास्ता पता चल जाएगा जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो मतलब,
आप एक ना एक दिन आप उसमें जरूर सक्सेस हो गए, आपको एक ना एक दिन उसमें जरूर सफलता मिलेगी। तो जो पांच रूल्स हैं मतलब, या पांच सीक्रेट्स कहते हैं, मतलब जो जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए, जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है मतलब, तो पहला है उसको प्राप्त करने के लिए अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि मैं ये बनना चाहता हूँ, लाइक सिंगर या डांसर या फोटोग्राफर या जो भी, ए टू जेड जो भी आप बनना चाहते हो, तो पहले आपको उस चीज़ को बनने के लिए, क्योंकि अगर आपने डिसाइड किया तो आपको उस रिलेटेड वर्क मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, या जो भी उसके अंदर टास्क होता है वो मिलेगा करने को, है ना। 12th क्लास होता है तो सब्जेक्ट को पास करना होता है, तो जाके हम आगे अच्छे नंबर पास होकर आगे कॉलेज की पढ़ाई हम करते हैं, कहने मतलब। तो पहला जो सीक्रेट है या पहला टिप्स पे कहूँगा वो होगा, आपको जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डवर्क करोगे तो आप अच्छे से उस चीज़ के बारे में जान पाओगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। तो दूसरा सीक्रेट वो आपको उस पर आपको एफर्ट देनी पड़ेगी, अपनी पूरी पूरी एफर्ट यानी कोशिश करनी पड़ेगी, जितना भी आप मतलब जितना आप में बेटर बनना चाहते हो आप अपनी पूरी पूरी जो अपनी एफर्ट है उस चीज़ पर करना पड़ेगा। तो तीसरा जो सीक्रेट हुआ, आपको अपना पूरा पूरा 100% आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एफर्ट दे रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ उसमें आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा मतलब, और आप बनना चाहते हो वो भी, इसमें भी आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको अपना पूरा 100% फोकस भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी देना पड़ेगा और हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। जो फोर्थ चीज़ है वो है, आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से आपको पता चल पाएगा कि आप कितना उसमें ओके हो, कितने परसेंट ओके नहीं हुआ, या आपने कितना परसेंट उसको अच्छे से किया है, कितना परसेंट उसको नहीं किया है। तो आपको चौथी चीज़ है, आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से व्यक्ति परफेक्ट बनता है, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत भी बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिफ्थ एंड जो लास्ट है वो यह है कि पेशेंस, यानी आपको लाइफ में पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप बनना चाहते हो वो कोई 1 या 2 महीने में नहीं, 1 या 2 साल में, इसमें मतलब टाइम लगेगा आपको उस चीज़ को अचीव करने में। एवरी गुड थिंग इन द लाइफ इट विल टेक टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर अचीविंग। सो आपको कोई भी जो आपका लाइफ का ड्रीम है उसको अचीव करने में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हार्डवर्क, एफर्ट, फोकस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ये 5 चीज़ों को आपको लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा, जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, जो भी आप बनना चाहते हो। तो आप देखोगे कि एक ना एक दिन जो भी आप कर रहे हो आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है, और रिजल्ट मिलने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है, और एक ना एक दिन आप अपनी लाइफ में जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है आप उसे ज़रूर अचीव करोगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, कि आप अपने जीवन के ड्रीम को कैसे अचीव करें, कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे भी इस वीडियो के लिए रेड सब्सक्राइब बटन, एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में कभी भी क्रोध ना करें, जीवन में यानी लाइफ में कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि आप सभी को पता है क्रोध करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी हैबिट नहीं है, अच्छी आदत नहीं है, और क्रोध करने के कारण कई सारे काम होते मतलब बनते बनते खराब हो जाते हैं, और क्रोध करने के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी हैं मतलब। तो कहने का मतलब सीधा यही है कि क्रोध जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए, और इसी को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे मतलब। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा टाइम है वर्ल्ड के अंदर, हर व्यक्ति का जो वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं मतलब, और हर व्यक्ति के लाइफ में मतलब, क्योंकि आजकल बहुत सारे काम बढ़ गया, हर व्यक्ति के लाइफ में काम है और काम को लेकर स्ट्रेस और भाग दौड़ भरी लाइफ हुई मतलब बनी हुई है, और इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, कहने मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ी वगैरह है, तो जो चाहता है वो उन चीज़ों को खरीद लेता है मतलब, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। दूसरे हम देखते हैं मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले, उनके पास भी बड़ा खर्च नहीं, अपना घर होता है अच्छा, अच्छी पढ़े लिखे होते हैं, अपने पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। तीसरी तरह हम देखते हैं उन लोगों को, सिंपल क्लास या नॉर्मल क्लास वाले लोगों को, जिनके पास
तो घर पे नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, या दूसरे बड़े बड़े सिटियाँ, मुंबई हो गई, वहाँ पे लोग अपना एक सपना लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाकर जॉब करते हैं, अपने घर को संभालने के लिए, अपने घर की नीड्स को पूरी करने के लिए वहाँ पे जॉब करते हैं, रेंट पर रहते हैं छोटे छोटे घर लेकर और किराया देते हैं, और जॉब करते हुए जो घर में मतलब अपने घर को संभालते हैं, घर के नीड्स को पूरी करते हैं। और कईयों के पास मतलब गाड़ी तो नहीं होती, कईयों के पास साइकिल होती है, तो साइकिल से लोग जाते हैं अपने ऑफिस तक और शाम को ऑफिस आते हैं। इनके पास नहीं होती तो वो लोग बस पे या ऑटो से अपने ऑफिस जाते हैं, कहने मतलब। तो हर व्यक्ति की लाइफ अपने अपने हिसाब से, अपने अनुभव को लेकर उनकी चल रही होती है। तो आजकल हम देखते हैं कि तो ये तो हो गया बात कि हर व्यक्ति की लाइफ अपने अपने काम को लेकर बिजी, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है। और आजकल के टाइम जैसे हमें बताया कि क्रोध है, मतलब जो एंग्री है, मतलब चाहे वो किसी को भी हो, मतलब अगर किसी को भी आ जाता है मतलब, तो क्रोध करने के कई सारे मतलब, क्योंकि इसके कोई फायदा तो होगा नहीं और नुकसान ही होगा कहने का मतलब। तो अब इसकी हम बात करेंगे, मतलब चाहे वो किसी का भी मतलब किसी को भी क्रोध आ जाए मतलब, क्योंकि अलग अलग स्टेज लेवल पर बात करें तो अगर जैसे छोटा बच्चा होता है मतलब जो स्टडी कर रहा होता है, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि भारत के अंदर जैसे दो तरह के स्कूल होते हैं, मतलब एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहली से पाँचवीं तक होता है, और फिर छठी से लेकर टेंथ तक स्कूल सेकेंडरी, छठी से लेकर बारहवीं तक होता है स्कूल सीनियर सेकेंडरी होते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से और स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड, देन टेंथ, देन ट्वेल्थ, और फिर कॉलेज की पढ़ाई होती है। तो कहने वाला अगर छोटा बच्चा है, तो अगर छोटा बच्चा है या स्कूली बच्चा है मतलब, अगर उसको गुस्सा आता है तो गुस्सा आने से फिर क्या होता है, गुस्सा करने से मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ों का मतलब प्रॉब्लम हो जाती है मतलब। क्योंकि मान लो क्रोध आपको आ रहा है, यानी आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा करने से कई सारे काम बिगड़ जाते हैं। मान लो टीचर आपको कोई चीज़ अच्छे से समझा रहे हैं मतलब, आपको जब कोई गलती कर देते हैं मतलब, तो जैसे कई लोगों में पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता है मतलब, तो उल्टा जवाब दे देते हैं मतलब, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है मतलब। तो इसी तरीके से क्लास के अंदर भी कई सारे जैसे मतलब जैसे बच्चे होते हैं मतलब, अगर टीचर अगर कुछ समझा रहा होता है, अगर आपके कुछ गलती करने पे, हो सकता है कि टीचर का तो एक फ़र्ज़ होता है मतलब कि आपको समझाना, आपके लाइफ के रिलेटेड आपकी चीज़ों को गाइड करना मतलब, तो समझा रहा होता है गुस्से से हो या जो भी हो मतलब। तो कई मतलब अगर स्टूडेंट भी कई सारे ऐसे होते हैं मतलब, ये आजकल मतलब कि सहनशीलता जैसे पेशेंस बोलते हैं, धैर्य रख पाते हैं, सहनशीलता नहीं होती, तो कई बच्चे जैसे कुछ अगर हरकत कर देते हैं मतलब, कुछ हो गया मतलब, टीचर को वो कर देना मतलब, या टीचर को जवाब दे देना वापस मतलब, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो वहाँ पे आपको क्या होगा मतलब, जैसे तो आपको टीचर तब देखिएगा मिस बिहेवियर है, या अच्छा बिहेवियर नहीं, या टीचर के बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है, या बच्चा डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको क्या करेंगे, स्कूल से निकाल देंगे या स्कूल से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मतलब। तो वहाँ पे भी आप नुकसान देखोगे मतलब, आजकल आजकल के टाइम में, क्योंकि हर कोई इतना सहनशील नहीं है मतलब, सहनशीलता अपने आप में बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है मतलब, और आजकल कोई भी किसी की बात को सह नहीं सकता है मतलब। इस तरीके से ये तो हमने स्टूडेंट की बात की, मान लो मतलब एक के दुख के केस होते हैं कि कोई कोई स्टूडेंट होता है कि वो मतलब जैसे कमजोर होता है या पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है, तो अगर कोई टीचर उसको गाइड करता है तो उल्टा वो गुस्सा हो जाता है मतलब, समझाने के साथ बाद भी मतलब, और वो कुछ उल्टा जवाब देता है। जैसे कई बच्चे मतलब होते हैं मतलब, जैसे अब मान लो कि गुस्सा आने के कारण मान लो आपका बॉस होता है ना, तो वो आपने कुछ काम किया, आपने उस काम में गलती कर दी, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो मान लो, तो गलती करने के बाद अगर आपको बॉस को पता चल गया, तो बॉस आपको हो सकता है डांटेगा, गुस्सा करेगा भी, तो आपको उस टाइम शांत रह के उसकी बातों को सुनना है और कोशिश करना है कि वो गलती जो आपने की मतलब आपको मतलब दोबारा नहीं करनी है कहने मतलब। लेकिन ऐसा होता नहीं, कई लोग मतलब गुस्से के गुस्सा, क्योंकि आपको बॉस ने आपको गुस्सा किया तो आपको भी गुस्सा आ गया, क्योंकि बताया सहनशीलता नहीं होती, तो आपने गुस्सा किया, गुस्सा करके आपने भी उत्तर जवाब दे दिया कि मतलब जो भी कंडीशन के साथ जो आप जॉब दे, फिर क्या हुआ, आप जॉब से निकाल दिया गया। अब जॉब से निकाल देने के कारण, क्योंकि जो आपको मंथली सैलरी मिल रही थी, उस सैलरी से आप अपने घर का खर्चा कर रहे थे, घर की नीड्स को पूरी कर रहे थे, अपने घर को संभाल रहे थे, और अभी आपको दूसरी जॉब भी नहीं मिली है, तो वहाँ पे उसका नुकसान क्या हुआ कि आपने जल्दबाजी में आके गुस्सा किया, आपने बॉस को उल्टा जवाब दिया, क्योंकि आजकल कोई की क्योंकि वो आपका बॉस है, आपको जॉब दे रहा है, आपको सैलरी दे रहा है, आपको मतलब आपको जॉब दे रहा है, तो मतलब आपका वो
आपका मतलब जॉब देने का मतलब है कि आपका वो जो भी आपके घर के नीड्स है फैमिली के थ्रू ही पूरे होती हैं अगर आप काम करते हो तो आपने बिना सोचे समझे आपने उल्टा जवाब दे दिया उस अपने बॉस को, तो आपको जॉब से निकाल दिया गया। उसके कारण क्या हुआ आपको, क्योंकि अभी आपको दूसरी जॉब मिलने में टाइम लगेगा या कब मिलेगा आपको आपको निश्चित ही नहीं है मतलब, तो जब भी मिलेगा उसके बीच का जो टाइम है वो आपका खराब हो गया और जॉब के लिए ढूंढोगे क्योंकि, और ये सब हुआ किसकी वजह से, क्रोध होने के कारण, एंग्री होने के कारण कहने का मतलब। तो आपको एंग्री की जो भावना है मतलब इस तरीके से मान लो कभी तो कहने मतलब अगर हमसे कोई बड़ा कोई बड़ा व्यक्ति हमारे पेरेंट्स है या टीचर हैं या हमारे गुरुजी हैं हमारे बॉस है मतलब हमसे बड़ा कोई हमारी गलती करने पर हम पे गुस्सा करता है कहने मतलब, तो हमें उस टाइम उनकी बातों को सुन लेना चाहिए और हमें गौर करना चाहिए कि आखिर किस गलती की वजह से वो हमें मतलब डांट रहे हैं या हमें समझा रहे हैं, और हमें उनको उल्टा मतलब जवाब नहीं देना चाहिए मतलब कोशिश कर, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं मतलब, और हमें उस जगह पे गुस्से को दिमाग में नहीं लाना चाहिए मतलब, और अपनी सहनशीलता को बढ़ाते हुए अपना मतलब उस टाइम पर चुप रहना चाहिए मतलब। क्रोध करने के कारण जैसे कई लोग बोलते हैं कि जैसे रावण था मतलब, जैसे बोलते हैं बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता था मतलब, घमंडी भी था कहने का मतलब, तो क्रोध करने के कारण घमंड करने के कारण किसी का भी जो एक मतलब तानाशाही होता है मतलब, राजा जो रावण था ज्यादा दिन तक तानाशाही नहीं चला, और घमंड भी ज्यादा दिन तक ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, और क्रोध अलग वो करता था हर छोटी छोटी बात पर रावण मतलब। तो कहने का मतलब आपको मतलब ऐसे टाइम पे मतलब आपको क्या बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, हो सके तो क्रोध को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, आपको अपने अंदर क्रोध की भावना कहीं पर लानी ही नहीं चाहिए। तो चाहे आप किसी भी कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुआ हो रहा हो या मारपीट हो रही हो या कहीं पर कुछ भी हो रहा हो मतलब, जैसे रास्ते में चलते वक्त कई लोग में आप देखते हैं कि झगड़ा वगैरह हो रहा होता है मतलब, तो आपको वहां पर उसको सुलझाना की कोशिश करनी चाहिए मतलब, और आराम से मतलब एक शांतिपूर्वक उस चीज का हल ढूंढना चाहिए मतलब, गुस्से का जवाब और गुस्से से नहीं देना चाहिए, और गुस्से को दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए मतलब, क्योंकि गुस्सा हो गया एंग्री हो गया या गुस्से की या क्रोध की भावना हो गई या क्रोध हमेशा दिमाग में पाले रखना मतलब, या अपने शरीर के अंदर क्रोध को लेकर घूमना, ये सभी चीजें आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होती हैं। क्रोध करने के कारण आप अच्छे फ्रेंड नहीं बना पाते हो मतलब, अच्छे नेटवर्क नहीं बना पाते हो, अच्छे कनेक्शन नहीं बना पाते हो, अच्छे कांटेक्ट नहीं बना पाते हो, क्योंकि जब किसी को पता चलेगा इस बंदे को गुस्सा बहुत आता है या कभी भी उसका बिहेवियर हो जाता है गुस्से की वजह से, कोई भी आपसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा, आपसे बात नहीं करना चाहेगा, आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहेगा, आपसे कनेक्शन नहीं बनाना चाहेगा या आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहेगा। तो क्रोध करने के कई सारे ऐसे मैंने आपको बताया मतलब खामियां होती है मतलब, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको हमेशा अपने क्रोध पर मतलब एग्री जो आपकी एंग्रीनेस है उस पर काबू रखना चाहिए, और क्रोध कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए और क्रोध पर हमेशा काबू रखना चाहिए मतलब। तो कैसा लगा आप मेरा आज का नया वीडियो कि हमेशा अपने क्रोध जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और हमेशा हटा देना चाहिए जब भी कुछ मतलब क्रोध आए तो कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे मतलब ओम चेंटिंग करने के फायदे मतलब, जैसे आजकल के टाइम में जैसे आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो हमारा टाइम है इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी लाइफ है हर व्यक्ति की इस वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो किसी भी कंट्री में क्यों ना रहता हो, किसी भी जगहों पर क्यों ना रहता हो या किसी भी स्थान पर क्यों ना रहता हो, क्योंकि आजकल के टाइम में हर किसी के पास बहुत सारे काम है मतलब, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो कोई स्टडी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, क्या चाहे वो कहीं पे जॉब क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो मतलब,
चाहे वो अपना खुद का कोई स्किल क्यों ना डेवलप कर रहा हो, तो हर किसी हर व्यक्ति के पास बहुत सारे काम है, और हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर उसके पास, क्योंकि काम है तो जाहिर सी बात उसको करने का स्ट्रेस भी होगा, दिमाग में तनाव भी होगा। जैसे कि आजकल के टाइम में हम देखते हैं, अब अलग अलग स्टेट लेवल के हिसाब से हम बात करते हैं, पहले तो हम बात करें कि उनके लाइफ में किस तरीके का चीज, किस काम की वजह से क्या स्ट्रेस भरा हुआ है या क्या टेंशन वगैरह रहती है, और फिर हम बात करेंगे ओम चैंटिंग के फायदे के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आप सभी पता ही होगा कि अगर हम बात करें जैसे उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि आप सभी पता ही होगा कि हमारे भारत देश में दो तरह के स्कूल होते हैं। जैसे पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहले से 5वीं तक और फिर 6ठे से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी, और 6ठे से लेकर 12वीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से फिर स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड, फिर कॉलेज, फिर स्कूल, फिर कॉलेज 10, 12, फिर कॉलेज। तो इस तरीके से क्योंकि फिर, और ये भी आप सभी को पता ही होगा कि जो 4 साल का जब कोई बच्चा होता है, जब वो 3 साल कंप्लीट करके 14 साल में प्रवेश करता है, उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे वो किसी भी स्कूल में डाल दे, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। तो आप सबको ये भी पता होगा कि जो 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज होती है, उस एज के अंदर जो छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन उसकी जो उम्र है, चाइल्डहुड होने के कारण, बचपन का होने के कारण, क्योंकि 4 से 13 साल तक की एज होती है, बचपन वाली होती है, तो वो जो उस एज के अंदर उसका पढ़ाई तो करता ही था, उसका जो मन होता है ज़्यादातर खेलने कूदने पर लगता है, बट उसको पढ़ाई भी करना होता है, कहने का तो पढ़ाई करने का होता है। तो वो सुबह के टाइम स्कूल जाता है, और जैसे कि सुबह 7-8 बजे स्कूल पहुंचे, फिर 1-2 बजे छुट्टी, वापस घर आए, तो घर वापस आने के बाद उसको होमवर्क वगैरह मिला होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि छोटा बच्चा होता है तो उसे पता होता है कि होमवर्क करना है मेरे को ना, तो अगले दिन टीचर ही मारेगी, या कोई टेस्ट वगैरह दे देते हैं, या कोई टास्क या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल कुछ बनाने को दे देते हैं, तो उसको भी पता होता है ये भी मुझे तैयारी कर रही है। लेकिन उसको जो मन होता है ज़्यादातर खेलने पर होता है, क्योंकि बच्चे बचपना वाली एज है, तो उसको खेलने का भी होता है कि मुझे, मेरे को देखता है कि जो हम उनके बच्चे, उन्होंने अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके गली में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, या तो उसका ही मन करता है बाहर खेलने का, तो अगर वो नहीं खेलता तो उसको दिमाग में स्ट्रेस होता रहता है कि आज मैं खेल नहीं पाया, आज मैडम ने बहुत सारे काम दिए, यार मैडम ने बहुत सारे क्वेश्चंस याद करने को दिए, मेरे को तैयारी वगैरह भी करनी है। तो जिस दिन वो मिस कर देता है या खेल नहीं पाता है बाहर, तो उसको अपने, क्योंकि उसका वो एज है, तो उसका जो भी काम है स्टडी से रिलेटेड या जो उसका मन करता है करने को, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको उससे रिलेटेड उसको दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है या टेंशन हो जाती है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं वर्किंग लेडीज की, जो घर में काम, हाउस हाउस वाइफ जो होती हैं, और आजकल के टाइम में तो बहुत सारी लेडीज बाहर जॉब भी करती हैं, जैसे जो पढ़ी लिखी आजकल ज़्यादातर जो लेडीज या लड़कियाँ होती हैं बाहर जॉब भी करती हैं, कॉल सेंटर वगैरह में, जिनकी इंग्लिश वगैरह अच्छी होती है, बड़े बड़े ऑफिस में भी होती हैं, काम करती हैं। तो कहने का तो अगर कोई भी चाहे हम चाहे मेल की बात करें, फीमेल की, बॉय या गर्ल्स, मेन या वुमेन, किसी की बात करें, अगर वो जॉब करती हैं तो जॉब अगर हम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे हमको ऑफिस में अलग अलग काम मिलेगा। जैसे हर व्यक्ति कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई डाटा एंट्री का काम करता है, कोई कॉलिंग, कोई कोई फोटोग्राफी का काम करता है, कोई रिसेप्शनिस्ट का काम करता है, कोई HR का काम करता है, या कोई डिलीवरी का काम करता है, आजकल कई सारे काम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आता क्या और आपको अच्छा क्या लगता है, आपको आपकी स्किल के हिसाब से आपको मार्केट में काम मिलता है। तो जो भी कहना है आप कहीं पे भी आप काम करते हो तो आपको अपने काम से रिलेटेड या मीटिंग वगैरह करनी है, या फाइल वगैरह का मैनेजमेंट करना है, या अकाउंटिंग का काम करना है, या टैली का काम करना है, या जो भी काम करना है, आपको अपने काम से रिलेटेड जरूर स्ट्रेस या दिमाग में टेंशन होता है कि अरे यार बॉस ने ये काम दे दिया, मुझे कल उसको टाइम पर कंप्लीट करना है, या मुझे मीटिंग का प्रिपरेशन करना है, या मुझे चेकलिस्ट बनानी है, या मुझे उस इतने बंदों से फॉलो अप करना है कॉल करके, या मुझे इतने लीड जनरेट करनी है। कहने का आपको अपने वर्क से रिलेटेड ही बहुत सारे टेंशन होते ही हैं, और ये तो हो गया वर्किंग लेडीज जो बाहर काम करती है, और दूसरी हो गई हाउस वाइफ जो घर में काम, जो घर में काम करती है, जैसे सुबह जो मैरिड लेडीज होती है, शादीशुदा जो लेडीज होती है, सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना, अगर उनका बेबी है, छोटा बच्चा है, तो उसको स्कूल में, स्कूल वाली बस आती है तो बस तक छोड़ के आना, तो सुबह के टाइम उठकर ब्रेकफास्ट तैयार करना, घर के बाकी लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार करके उनको देना, उनका लंच पैक करना, कहने और हस्बैंड जॉब पे जा रहे तो उनको टिफ़न बनाकर उनको देना, और उनको ब्रेकफास्ट के लिए देना, उनके कपड़े देखना घर में, उसके बाद फिर
बर्तन वगैरह धोना, दोपहर के खाने की तैयारी करना, फिर बीच में कपड़े धोना, फिर शाम को उठते, फिर खाने की तैयारी करना, मतलब उनका जो पूरा एक लाइफ, मतलब जो पूरा दिन होता है ना, काम के अलग अलग पे चलता रहता है, चक्कर पे मतलब घूमता ही रहता है, वो भी दिन भर काम कर करके थक जाती है, और कोई काम नहीं हो पाता है मान लो, तो उनको भी उनके उस काम का स्ट्रेस हो जाता है मान लो। इस तरीके से जो बंदे मैं जो जेंट्स वगैरह जो बाहर काम करते हैं, उनको भी अपने काम से रिलेटेड स्ट्रेस होता ही है मतलब। तो इस तरीके से हम देते हैं, चाहे वो वर्किंग लेडीज क्यों ना हो, चाहे चाहे जॉब करने वाली लेडीज हो, या मैन हो, या आदमी हो, या छोटे बच्चे क्यों ना हो जो स्टडी कर रहे हो, मतलब हर व्यक्ति को अपने अपने काम से लेकर उसको स्ट्रेस, दिमाग में टेंशन वगैरह, मतलब आजकल के टाइम में हर व्यक्ति की लाइफ बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई, और बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन के साथ भरी हुई है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अब यहाँ पर हम बात करें ओम चैंटिंग करने के फायदे के मतलब। तो जो ओम चैंटिंग, आप सबको पता ही होगा कि ओम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है मतलब, और ओम के अंदर एक वाइब्रेशन होता है। आप ओम थोड़ी देर अगर मुंह से मतलब, अगर अपने आप जवान से आप करोगे तो जब ओम की चेंटिंग करते तो आपको खुद ये, कभी मैंने किया तो मुझे एक वाइब्रेशन था बॉडी के अंदर फील हुआ, और एक अपने होठों पे कंपन सी की फील हुई, मतलब एक वाइब्रेट होने की फीलिंग हुई। तो ओम चेंटिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं मतलब, जिसको आप वैसे सुबह टाइम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ओम मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो अभी अभी मैं बात कर रहा हूँ ओम चेंटिंग करने की, क्योंकि आप फिजिकली ओम चेंटिंग करोगे उसका एक अलग ही अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है और फायदा भी है। ओम चेंटिंग करने से दिन भर का जो भी आप 24 घंटे वर्क करते हैं, स्ट्रेस होता है दिमाग के अंदर, तो सुबह उठकर कम से कम आपको आधे घंटे या तो 20 मिनट चेंटिंग तो करनी चाहिए। खाली रूम में बैठो, और या छत के ऊपर बैठो, योगा मैट बिछा के, या कोई कारपेट बिछा कर मतलब, या चटाई बिछा कर, और उस पर आप ओम चेंटिंग करो 10 से 20 मिनट, या आधे घंटे हो सके मैक्सिमम तो करो। इसको करने से आपको कई सारे फायदे भी होंगे। जैसे पहला फायदा तो यही होगा कि जो आपके दिन भर का जो 24 घंटे का स्ट्रेस है, चाहे वो आपके अगर छोटा ओम चेंटिंग कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, वर्किंग लेडीज हो, या वर्किंग वुमेन हो, या कोई जेंट्स हो, या बॉय हो, कोई भी कर सकता है, सबको ये बेनिफिट ही होगा मतलब। तो सुबह उठकर ओम चेंटिंग करो, और आप देखोगे कि आपको पहला फायदा होगा, आपको 24 घंटे का जो स्ट्रेस है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, या घर के काम से रिलेटेड हो, या स्टडी से रिलेटेड हो, या किसी चीज से रिलेटेड हो, वो आपके टोटली निकल जाएगी आपके दिमाग से ओम चैंटिंग करने से, क्योंकि आपके अंदर एक वाइब्रेशन का संचार होता है बॉडी के अंदर। दूसरा, ओम चैंटिंग करने से आपका जो दिमाग होगा काफी हल्का हो जाएगा एकदम, आपका दिमाग काफी हल्का होगा, और आप अपने आप को काफी लाइट फील करेंगे, काफी हल्का फील करेंगे, और आपको लगेगा कि मैं अब कितना एकदम दिमाग मुझे हल्का, मेरा दिमाग हल्का फील हो रहा है। चौथा, जो तीसरी चीज़ है, आपको काल्म फील होगा, शांत फील होगा, मतलब आप अपने आपको बहुत ही काल्म फील करेंगे मतलब ओम चैंटिंग कर रहे हैं बाद। और फिर उस पर जो भी आप काम कर रहे हैं मतलब, आपको उसमें मन लगेगा कहने वाला। तो कहने वाला आपको तीसरी जो फायदा होगा, आपको काफी काल फील होगा मतलब, काल मतलब शांत फील होगा। चौथा, जो आपको काफी रिलैक्स फील होगा, रिलैक्स फील होगा तो आप अगले काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे, और आपकी एनर्जी लेवल काफी स्ट्रांग रहेगी मतलब। तो चौथा जो मैंने आपको बताया, आपको रिलैक्स आपको काफी फील होगा। और पांचवा जो चीज है वो ये है कि आपकी जो एनर्जी लेवल काफी ज्यादा और बढ़ गई होगी, आप फिर रेडी रहोगे जो भी आपका अगला टास्क के दिन में करने के लिए, चाहे आप स्टडी करने जा रहे हो, चाहे स्कूल जा रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, या फिर आप बाहर जाकर जॉब कर रहे हो, तो आप अगले टास्क को करने के लिए रेडी रहोगे। तो दोस्तों, ये से 4-5 फायदे मतलब ओम चैंटिंग करने की, कि आपको रिलैक्स फील होगा, काम फील होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस और दिमाग से टेंशन सारा हट जाएगा, और आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी आपके मतलब आपके दिमाग के अंदर मतलब। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बताते चलिए। हेलो दोस्तों, फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल के जो आप सबको एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें, और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, जो कि बेस्ड है हेल्थ पे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे दोस्तों, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए।
मतलब जीवन में आप अच्छी चीज़ों को खाइए, अच्छे आहार को खाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि जब हम अच्छा खाएंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आजकल के टाइम में हमारे जो हमारा स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ, उसका कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर मतलब। तो क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अच्छे मतलब जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है मतलब, तभी हमें जो चाहे वो खाने पीने की चीज़ हों, चाहे हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, कहीं भी होते हैं मतलब, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, हमें कोई अगर रोग होता है, कोई बीमारी होती है, उस पर हमें काफ़ी तकलीफ होती है, हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती है मतलब, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कहने में मतलब। और तो इसी तरीके से अगर हम अच्छी चीज़ों को खाएँगे और जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए आज हम इसमें ऐसे में बताया कि अच्छा खाइए और स्वास्थ्य रहिए मतलब। तो आज हम खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिसको खाने से हमारा शरीर जो है हमेशा हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, स्ट्रांग रहेगा मतलब, और काफ़ी अच्छा भी होगा ये हमारे आगे जीवन में मतलब, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। दोस्तों हमें जैसे अपने डेली लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को जैसे अगर हो सके तो खाने की आदत डालनी चाहिए मतलब, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जो मौसम के हिसाब से होते हैं, कि हर मौसम में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो 12 मास मतलब 12 महीने मिलते हैं मतलब। तो हमें डेली 1 या 2 फ्रूट्स को खाना ही चाहिए। जैसे केला जो होता है वो 12 मास मिलता है मतलब, 12 महीने मिलता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं मतलब जो मतलब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो महीने मतलब वो मौसम के हिसाब से होते हैं। जैसे कि गर्मियों के मौसम में आम का मिलना, सर्दियों के मौसम में एप्पल का मिलना, जैसे कि फिर संतरे वगैरह होते हैं या अंगूर वगैरह होते हैं, या चीकू हो गया या लीची हो गया, ये सब मौसम के हिसाब से ही मिलते हैं कहने मतलब। तो जैसे कि कई सारी ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं मतलब, जैसे कई जैसे जो विटामिन की कमी से होती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अलग अलग विटामिन वाले मतलब, जैसे विटामिन वाले या प्रोटीन वाले फ्रूट्स होते हैं हमें, तो हमें उनको खाने की जीवन में आदत डालना चाहिए। जैसे अगर केला तो 12 मास मिलता है मतलब, तो हमें डेली 1 या 2 केले खाने की आदत डालना चाहिए। अगर ज़्यादा केला, अगर किसी का वेट ऑलरेडी, जैसे कई लोग बोलते हैं केला खाने से हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं, कैल्शियम मिलता है मतलब बॉडी के मतलब, कई लोग बोलते हैं कि जैसे अगर केले को दूध में डाल के खाया जाए तो वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो ये तो उनके लिए है मतलब, अगर वेट कम हो तो वो अपना मतलब वेट को बढ़ाने के लिए केले में दूध को डाल के खा सकते हैं कहने मतलब। लेकिन बेसिक तौर पे अगर किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां मतलब जो कमज़ोर होती हैं, तो ऐसा ना हो इन द फ्यूचर के लिए, तो आपको डेली 1 या 2 केला खाना ही चाहिए, जिससे आपको वो कैल्शियम मिलता रहेगा और आपका शरीर स्ट्रांग भी रहेगा, शरीर आपका स्ट्रांग रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप केला नहीं खा पाते हो मतलब और कुछ टाइम नहीं दे पाते, तो आजकल जूस की दुकानें भी होती है, जूस पर आपको एक बनाना शेक होता है जो 30 या 40 रुपये का गिलास या मैक्सिमम 50 रुपये गिलास आता है, जिसको अगर आप पियोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसके अलावा जैसे मौसम के हिसाब से गाजर का जूस होता है, कैरेट का जूस होता है, जो काफ़ी हेल्दी होता है कहने का मतलब। उसमें कैरेट का जूस है आँखों के लिए कहा जाता है काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए लोग सर्दियों के टाइम में जब गाजर मिलता है तो लोग गाजर बहुत ज़्यादा खाते हैं और गाजर का जूस भी बहुत पीते हैं कहने का मतलब। तो आप लोगों को जैसे अगर मौसम के साथ जो भी फल आता है मार्केट के अंदर मतलब, उसको आपको खाने डेली मतलब थोड़ा थोड़ा उसको खाना ही चाहिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मार्केट में जैसे वेजिटेबल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे पालक वगैरह होता है मतलब, पालक होता है, मेथी होता है, और दूसरी हरी सब्जियाँ होती है, तोरी हो गया और घिया हो गया, इन सब के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जैसे जो कैल्शियम वगैरह होता है मतलब, कि मतलब हरी सब्जियाँ खासतौर पर जो होती हैं काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं मतलब। तो और हरी सब्जियों के अंदर खासतौर पर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको हरी सब्जियाँ जब भी वो मौसम में मिलते हैं मतलब, जैसे बथुआ हो गया, तो कई लोग बथुआ हल्का कड़वा लगता है कहने मतलब, तो आप जैसे कई लोग दाल में उसको डाल कर भी खाते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से मिलता है, बारह महीने नहीं मिलता है, तो आपको दाल के अंदर जैसे पालक तो 12 महीने मिलता है मतलब, तो आपको पालक जैसे दाल आप बनाते हो, अरहर की दाल हो गई या उड़द की दाल हो गई, अरहर उड़द की दाल मिक्स हो गई, उसमें आपको 1 पाव 200 या 300 ग्राम पालक डाल दिया, जैसे दाल गाढ़ा भी हो जाएगा और दाल के अंदर टेस्ट भी आ जाएगा। तो पालक तो आप 12 महीने मतलब यूज़ कर सकते हो, कभी मौसम के हिसाब से ज़्यादा मिलता है, लेकिन कभी कभी कम मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। उसके अलावा बथुआ हो गया, मेथी हो गया, इसको भी आप मेथी तो नहीं मेथी आलू मेथी सभी काफ़ी टेस्टी बनती है मतलब,
में से भी काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और जो बथुआ होता है उसको भी आप दाल में डालकर अच्छे से उसको बना सकते हो, तो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस तरीके से जो जैसे खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे मान लो नींबू हो गया, नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, आंवला हो गया, आंवले के अंदर विटामिन सी होता है कहने का मतलब, तो और फ्रूट्स के अंदर संतरा हो गया, संतरे के अंदर विटामिन सी होता है। तो अगर विटामिन सी की कमी से कई सारे जैसे चीज़ें होने लगती है, जैसे बाल वगैरह भी काफ़ी टूटने लगते हैं, मतलब जैसे देखा जाता है, मतलब ऐसे तो स्ट्रेस वगैरह से नहीं होता है, लेकिन विटामिन सी की कमी से बाल वगैरह टूटने लगते हैं, ऐसा खा रहते हैं। तो लोग खट्टे चीज़ें खाते हैं, आंवला हो गया, संतरे का जूस वगैरह पीते हैं। तो कहना मतलब अगर आप इन चीज़ों को अपने रूटीन में रखेंगे, डेली डाइट में रखेंगे या खाने पीने में रखेंगे, तो ऐसी परेशानियाँ आएंगे ही नहीं कहने का मतलब। तो आपको फ्रूट्स वगैरह भी खाना चाहिए। और खासतौर पर और जो जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई करने वाले, तो उनको पढ़ाई के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है मतलब। तो वो लोग जैसे आमतौर पर घरों में बच्चों को एक गिलास दूध पिलाया जाता है जब वो स्टडी कर रहे होते हैं मतलब, लेकिन दूध के साथ आपको उसके साथ कुछ और भी देना चाहिए। जैसे आजकल जैसे बॉर्नविटा होता है या हॉर्लिक्स होता है, जो कि काफ़ी मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और बच्चों को स्टेमिना जो होती है उसकी स्ट्रॉन्ग रखती है कहने का मतलब। और वो क्योंकि वो विवेक टाइम इतना क्योंकि स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, आप कल के जब मैं भी अपनी बात करूँ तो जब मैं स्कूल में था तो और पाँच पाँच छः सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का होमवर्क वाली कॉपी रखना, क्लासवर्क वाली कॉपी रखना, उसकी किताबें रखना, उसकी नोट्स वाली बुक रखना, कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा बैग भारी हो जाता है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ पे पूरा काम करते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, उसके बाद वापस घर पे आते हैं इतने भारी बैग को टांग कर, और फिर आते ही मतलब खेलते कूदते हैं, फिर पढ़ाई में लग जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और एनर्जी होगी तो आपको उनको ऐसे चीज़ें खिलानी पड़ेगी जिससे उनकी स्टेमिना जो उनकी एनर्जी बनी रहे कहने का मतलब। तो आप उनको दूध तो पिलाते ही हैं, साथ में उनको आप हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा का जो पाउडर होता है उसमें एक चम्मच घोल कर अगर डाल देंगे तो काफ़ी उनको उससे फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी हेल्दी भी रहेंगे। उसके अलावा जैसे कि अगर दाल की बात करें तो जैसे कहा जाता है अरहर की दाल काफ़ी जो पीली वाली अरहर होती है मतलब, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कैल्शियम होता है और दालों से भी काफ़ी प्रोटीन मिलता है कहने का मतलब। तो आपको अरहर की दाल, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आपको अरहर की दाल भी अपने हफ्ते में 3 से 4 बार तो खानी ही चाहिए मतलब। अगर आप सिंपल अरहर की दाल खा रहे तो अगर आपको लगता है कि सेम टू सेम हो रहा है, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि आप पालक डाल सकते हैं, 1 पाव पालक या 200-300 ग्राम पालक ला कर आप दाल में डाल देंगे, दाल में टेस्ट भी आ जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा और आपको वो हेल्थ को भी मिलेगा। आपको अपने वीकली फूड में कम से कम 3 से 4 बार अरहर की दाल वगैरह खानी चाहिए। और जो सैलड वगैरह की चीज़ें होती हैं खाने के अंदर मतलब, जैसे मूली हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, नींबू हो गया, हरी मिर्च भी लोग कई बार सैलड में मतलब रख लेते हैं मतलब, तो मिर्च का तो पता नहीं, लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती हैं खीरा, गाजर, मटर खा सकता है, मूली हो गया, खीरा हो गया, मतलब इनको आपको सैलड के अंदर रख के खाना चाहिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो फ्रेश होते हैं और सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं मतलब। तो आपको इस तरीके से मतलब जो मैंने बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें बताई जिनको आप अगर डेली जैसे आपको डेली हफ्ते में 3-4 बार दालों को खाना, हरी सब्जियों को खाना और विटामिन सी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको खाना, सैलड्स को खाना, फ्रूट्स को खाना, मतलब इन चीज़ों का अगर डेली नहीं खा पाते क्योंकि चीज़ें महंगी होती हैं मतलब, तो हफ्ते में 1 या 2 बार खाओगे तो आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी बनी रहेगी, और बॉडी हेल्दी होगा तो आप निरोगी रहोगे, अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपको हर चीज़ जो आपके जीवन में होगी आपको अच्छी लगेगी, आपको हर चीज़ करने में मज़ा आएगा, देखने में मज़ा आएगा, और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी कहने का मतलब। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो मतलब, कि अच्छा खाइए और अच्छे स्वस्थ रहिए मतलब, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी को वीडियो खींचे एक बेल आइकन भी दिखता होगा,
अभी जाइए तो उनको टेस्ट कर दीजिए मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस को देख सकें, उनसे पूछती कर सकें, फिर मैं ग्रोथ कर सकें, अपनी जर्नी एक अच्छी व्यक्ति बन सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा इसका नया, आज हम बात करेंगे जैसे बताया कि मोटिवेशनल वीडियो जैसे जो बेस्ट आपके हेल्थ पर। तो और हमारा आज का जो वीडियो टाइटल वो यह है कि आप अपने हेल्थ का हमेशा ख्याल रखें, आप अपने हेल्थ का हमेशा ख्याल रखें। आज हम बात करेंगे अपने, क्योंकि हमारा हेल्थ है, हमारी हमारा बॉडी है, तो हमें अपने हेल्थ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हेल्थ अगर हमारा अच्छा है, हमारी बॉडी अगर हमारी बॉडी स्वस्थ है, तो वो हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी हमारे जीवन के लिए। क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ा पूंजी है, ऐसे बोलते हैं, सबसे बड़ा सुख जो होता है वो निरोगी काया का होता है। मतलब बेरोग जीवन का होना, बेरोग शरीर का होना, निरोगी होना शरीर का सबसे बड़ा सुख होता है। यही हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, मतलब तो अगर हम अलग अलग स्टडीज के हिसाब से अगर बात करें, मतलब जैसे कि एक स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अगर वो कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है, मतलब तो अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, मतलब अच्छा है, वो फिट है, मतलब तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, वो अच्छे से होमवर्क कर पाएगा, अच्छे से क्लास वर्क कर पाएगा, अच्छे से स्टडी कर पाएगा, अच्छे से चीज़ों को याद कर पाएगा, कहने का मतलब। और अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बीमार पड़ा रहेगा, और चीज़ों को करने में, याद करने में, पढ़ने में, और वर्क होमवर्क करने में, क्लास वर्क करने में उसको प्रॉब्लम्स भी होगी, दिक्कतें भी आएगी, और वो कर नहीं पाएगा। इस तरीके से जो बंदा जॉब करता है, जो जॉब करने वाले बंदे होते हैं, अगर वो मान लो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर उनको कोई रोग हो जाता है, कहने में तो बीमार पड़ने के साथ, और एक चीज़ में भूलिए होता है ना, वो था कि अगर जब बंदा बीमार होता है, मतलब अगर वही जैसे हेल्थ की बात है कि हमें हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए, कहने का मतलब। तो अगर बंदा बीमार होता है, मतलब बीमार, तो पैसे भी तो लगते हैं ठीक कराने के लिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयाँ लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो वो भी एक खर्चा होता है, कहने का मतलब ये भी है। दूसरी तरफ अगर आप अच्छे रहते हो, तंदुरुस्त रहते हो, तो आपको ऐसे मतलब जो आपका पैसा खर्च होता है मेडिसिन वगैरह पर नहीं होता है, और उन्हीं चीज़ों की जगह पर आप हेल्दी चीज़ों को खा सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि जो बंदा वर्किंग वाला होता है, तो अगर वो बीमार पड़ रहा है, मतलब तो एक तरफ तो वो घर में रहेगा, बीमार पड़ा रहेगा, डॉक्टर से जैसे दवाइयाँ वगैरह खाएगा, मतलब और तो उसका यहाँ तो पैसा लगेगा अपने आपको ठीक करने में। दूसरी तरफ जहाँ पर वो जॉब जाता है, तो वहाँ पर उसका अपसेंट लगेगा उसकी, जैसे अगर कोई लेबर होता है, मतलब या कोई छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं, उसको प्रेजेंट लगाते हैं, तो उसकी बोलते हैं दिहाड़ी का माल जाना, मतलब दिहाड़ी नहीं लगेगी या टेंडर नहीं लगेगी, तो दिन का पैसा कट जाता है। तो दो तरह का नुकसान होता है, कहने मतलब ये भी किसकी वजह से होता है, जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, तो कहने का मतलब। और तीसरे से हम देखते हैं कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं, घर में काम करती हैं, अगर वो बीमार पड़ जाती है, मतलब बीमार होने से क्या होता है, बीमार पड़े रहेंगे, मतलब तो घर के दूसरे काम होते हैं जो कि वही करती हैं, कहने का मतलब। जैसे सुबह उठकर नाश्ता तैयार करना, दोपहर का लंच रेडी करना, फिर घर के सारे काम करना, और ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करना, उनको टाइम पर खाना खिलाना, अगर बच्चा है तो बच्चे को स्टडी कराना, उसको स्कूल छोड़कर स्कूल से ले कर आना, फिर रात का खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मतलब घर के अंदर दुनिया भर के काम होते हैं। अगर वो घर की जो हाउस वाइफ होती है, अगर वो बीमार पड़ गई, मतलब तो फिर घर के बाकी काम कौन करेगा। तो कहना है मतलब अगर वो बीमार पड़ती है, तो इससे फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और सब क्यों होती है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। इसलिए तो मैंने बताया कि आपको हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, कहने वाले। क्योंकि हमारा हेल्थ अच्छा है, तो ही हम मैं सारी की सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और कोई भी चीज़ हम करेंगे या खाएंगे या पहनेंगे, तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगेंगी, कहने वाले। तो अब बात आती है कि हम अपना ख्याल कैसे रखें। तो दोस्तों ख्याल रखने के लिए, जैसे अपना खुद का ख्याल रखने के लिए, अपने जो आपका शरीर है उसका ख्याल रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पहले तो चीज़ ये है कि आपको हेल्दी चीज़ें खानी हो चाहिए, मतलब हेल्दी चीज़ें का मतलब है कि आपको डाइट में जो आप खाना खाते, आहार लेते हो, मतलब तीन चार टाइम का, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच या रात का और डिनर होता है, मतलब और कभी कभार जैसे शाम के टाइम में कुछ लोग खा लेते हैं, मतलब ऑफिस से और घर आते वक्त। तो कहने वाले आप जो भी कुछ खाते हैं उस टाइम में आपको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। हेल्दी फूड खाने से क्या होगा कि आपका शरीर हेल्दी रहेगा। हेल्दी फूड का मतलब जैसे फ्रूट्स हो गए, आपको आपके डेली आहार में एक या दो फ्रूट डेली नहीं खा सकते, क्योंकि वीक में तीन या चार दिन कोई ना कोई फ्रूट्स तो खाना ही चाहिए। मतलब एक होता है फ्रूट जो बारह मास मिला, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, दूसरा फ्रूट था जो मौसम के साथ मिलता है, संतरा हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, अंगूर हो गया,
कहने मतलब आपको वीक में एक या दो या तीन फ्रूट कभी कभार खा लेना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहो। दूसरी बात, आपको हरी सब्जियां जो कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मिलती हैं, आपको हरी सब्जियां ज़्यादा खाने चाहिए, मतलब से आपको आयरन मिलेगा, मतलब हरी सब्जियों में आयरन होता है। और सर्दियों के मौसम में गाजर ही मिलता है, तो आपको गाजर वगैरह खाना चाहिए जिससे आप हेल्दी रह सकते हो। गाजर का जूस वगैरह भी मिलता है, मतलब सर्दियों के टाइम वो जिम करने वाले बंदे होते हैं, मतलब जिम से निकलते हैं या जिम में जिम से निकलने के बाद एक गिलास गाजर का जूस जरूर पीते हैं, और जो वर्किंग वाले बंदे होते हैं वो भी गाजर का जूस जरूर पीते हैं, क्योंकि गाजर जो होता है हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, और गाजर को खाना भी चाहिए, फिजिकली खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। मतलब जूस तो आप तो चलो शॉर्टकट में जूस बनाए और पी ले, लेकिन अगर फिजिकली गाजर को लेके मतलब दांत से खाते हो तो एक तो क्या होता है, उसका जूस भी आपके पेट में जाता है, दूसरा जो उसका सॉलिड वाला पार्ट होता है मतलब गुद्दा जो होता है उसका गाजर का, वो भी आपके पेट में जाता है, वो भी उससे आपके दांत वगैरह भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपको कुछ कुछ कर खाते होते हैं हमें मतलब। तो आपको गाजर वगैरह खाना चाहिए और हरी सब्जियां वगैरह खाना चाहिए। तीसरी जो विटामिन सी वाली चीज़ें होती है, जैसे खट्टे चीज़ों में विटामिन सी होता है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, फलों में जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन फलों को भी आपको जब ये मतलब ये तो वैसे नींबू तो चलो 12 मास मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो संतरा हो गया या आंवला हो गया मौसम के हिसाब से मिलते हैं, तो इनको भी आपको अपने डाइट में रखना चाहिए। जब भी आपको मार्केट में दिखता है कि थोड़ा सा ले आएँ और इनको खाना चाहिए। बाकी आपको आंवले का जैसे ये मतलब मौसम के हिसाब से तो सर्दियों में मिलता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब गाजर का जूस पीते जाते हैं तो वो बंदा कुछ आंवले के थोड़े थोड़े पीस भी लेकर डालता है जूस के अंदर, तो कहने मतलब आंवला तो चलो मौसम के साथ होता है, लेकिन जो मार्केट में बने बनाए इसकी आंवले की कैंडी आती है, मुरब्बे आते हैं, और ड्राई कैंडी भी आती है, मतलब सूखा हुआ मुरब्बा भी आता है, तो आपको वो आपको बोतल रख के मतलब उसको खाना चाहिए, वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा मतलब। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि आपको जैसे आउटसाइडर जैसे स्ट्रीट फूड्स होती हैं, मतलब कई लोग जैसे मोमोस हो गया, बर्गर हो गया, टिक्की हो गई, चाउमिन हो गए, गोलगप्पे हो गए, ये चीज़ें जो फास्ट फूड वाले होती हैं मतलब टेस्ट में तो अच्छी होती है मतलब, और कभी कभार चलो खा सकते हैं, लेकिन इनको हमें जैसे डेली इनको खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट में तो अच्छी होती हैं बट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं कहने में। तो आपने कभी कभार खा लिया तो ठीक है, लेकिन इनको डेली रूटीन में खाने की हैबिट नहीं डालना चाहिए। बाकी वो तो आपके विषय आपकी मर्जी, अगर आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो या इन चीज़ों को खाने में अपने टेस्ट को प्रायोरिटी देते हो, वो आपके हेल्थ मतलब वो तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कहने का मतलब। तो इस तरीके से आपको सुबह उठकर अपना हेल्थ अच्छा रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर जैसे 5 या 6 बजे बाहर वॉक पर जाना चाहिए, वॉक पर जाने के बाद जो आप वॉक पर जाते हो, वॉक पर जाने के अलावा जैसे दूसरे कई सारी एक्टिविटी भी होती हैं, कई लोग आप योगा वगैरह कर सकते हो 5 से 10 मिनट, अलग अलग जो इजी पोजेस होते हैं मतलब इजी आसान जो आसन होते हैं वगैरह, योगा करने के साथ साथ आप जैसे मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, ओम की चैंटिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब जो कि ओम की चैंटिंग करने से पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है और उससे आपको काफ़ी हल्का रिलैक्स और शांत फीलिंग होगा। उसके अलावा आप लाफिंग क्लब्स यानी आप खुल कर डेली 4 या 5 मिनट छत पर जाकर हंसी, मतलब घर में और कमरे में हंसोगे तो हो सकता है कुछ लोग डिस्टर्ब हो या उनको पसंद ना आए, मतलब वैसे हंसना तो अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आप सुबह उठकर बाहर जाकर और छत के ऊपर जाकर खुलकर हंसी है, असल में क्या होता है कि पूरी पूरी जो बॉडी होती है एकदम रिफ्रेश हो जाती है कहने मतलब। आपको सुबह उठकर 4 से 5 मिनट खुलकर हंसना चाहिए मतलब। और फिर जैसे मैंने बताया कि आपको जो भी आपका ब्रेकफास्ट होता है, लंच डिनर होता है या ब्रंच होता है या डिंच होता है, मतलब ब्रंच वो होता है जो सुबह मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर हम कुछ खाते हैं उसको ब्रंच बोलते हैं, और डिंच वो होता है जो हम डिनर और लंच के बीच में अगर कुछ खा लेते हैं 5-6 बजे तो उसको डिंच बोलते हैं मतलब। तो अगर आप इतने बीच में कुछ खाते हैं तो भी आपको हेल्दी खाने की कोशिश करनी चाहिए, और आपको अपने जो रात का डिनर होता है या दोपहर का लंच होता है आपको उसमें सैलड वगैरह टिफ़िन में रखकर अगर जाते हैं तो टिफ़िन थोड़ा सैलड रख लिया, खीरे का, मूली का या जो भी होता है गाजर का मतलब। उसके अलावा घर पर भी आते हैं तो वहाँ पे जैसे प्याज को भी सैलड में डालते हैं, तो आपको सैलड भी खाने के खाना चाहिए कहने में, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी
अच्छा होगा और काफ़ी हेल्दी होगा। दोस्तों ये थी मेरा आज का नया वीडियो, को हमें हमेशा अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अपने सेहत का ख्याल रखेंगे मतलब तो हमारे अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो हमें काफ़ी रिलैक्स फील होगा, हमारा सेहत अच्छा होगा, हमें जो भी खाने पीने की चीज़ें होंगी उसमें हमें टेस्ट मिलेगा, अच्छा फील होगा, जो भी हम बाहर ट्रैवल करते हैं घूमते हैं फिरते हैं पहनते हैं उसमें अच्छा फील होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हेलो दोस्तों, इधर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस चैनल और इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मैं इस चैनल पर मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, मैं ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखें, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है, जो आजकल का माहौल है हमारे विश्व के अंदर, काफ़ी जो लोग हैं मतलब लोगों का जीवन आजकल के टाइम काफ़ी भाग दौड़ भरा हो गया है, और किसी के पास आजकल टाइम नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपना अपना पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने होमवर्क क्लास पर स्टडी करना है, छोटा बच्चा है वो भी उसको पढ़ाई करनी है, और हम उनके बच्चों के साथ खेलना है मतलब, और हर व्यक्ति अपने आप में, कोई बंदा जॉब करता है तो उसको अपने जॉब का स्ट्रेस, जॉब काम पे जाना, काम से वापस आना, काम को टाइम पर करना, मतलब इस तरीके के बहुत सारे काम हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके पास अपनी लाइफ में जो भी सुख सुविधाएं होती है उसके पास सारी सारी सुख सुविधाएं मतलब बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, बैंक बैलेंस है मतलब। दूसरे हम मीडियम क्लास फैमिलीज को देखते हैं मतलब, जिनके पास भी घर वगैरह है, बड़े तो नहीं लेकिन घर वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह, वो भी अच्छी लाइफ जी रहे थे अच्छे पोस्ट पर काम करते हुए। तीसरी तरह हम देखते हैं मतलब नॉर्मल या सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जो जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर से गांव से आते हैं मतलब रोजगार की तलाश में, जैसे यूपी बिहार या झारखंड उड़ीसा से लोग आते हैं दिल्ली जैसे सिटी में या दूसरी बड़ी सिटियों के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनको रोजगार मिल सके और वहाँ पर वो काम कर सके, काम करके जो उनकी फैमिली होती है उनकी नीड्स को पूरी कर सके, उनकी उनका देखभाल कर सके, उनका केयर कर सके मतलब। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खुद के घर भी नहीं होते, कई लोग रेंट पे रहते हैं दिल्ली जैसे सिटी में बाहर से आकर, और यहीं से जॉब करते हुए गांव में पैसे भेजते हैं, आगे फैमिली होती है, कुछ लोग फैमिली के साथ यहीं पे भी रहते हैं रेंट के ऊपर, सुबह उनके पास जाने के लिए उसकी गाड़ी भी नहीं होती, तो कई लोग हो सकता है साइकिल से जाते हैं मतलब, ज़्यादातर लोग बस से जाते हैं, ऑटो वगैरह से जाते हैं। तो कहने का मतलब, तो इस विश्व के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है मतलब, चाहे वो किसी भी स्टेटस से बिलोंग करने वाले फैमिली से बना होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है मतलब, तो पैदा होने के मतलब बाद एक्चुअली क्या होता है, 1 से 3 साल की जो एज होती है, इस एज में जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है मतलब, इस एज में वो खाना पीना सीखता है, चलना सीखता है, पैरों पर बोलना सीखता है, क्योंकि वर्ड्स क्लियर नहीं होते, 1 से 3 साल तक वो यही चीज़ों को सीखता है, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना। और जब वो 3 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको 4वें साल में स्कूल में डाल दिया जाता है, जैसे कि क्योंकि बोलने लगता है, चलने फिरने भी लगता है। तो जैसे हमारे आप सभी को पता ही होगा, भारत हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट जो कि 5वीं से 5वीं तक होता है, फिर 6वीं से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल या 6वीं से लेकर 12वीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, नर्सरी KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड ऐसे करते हुए अगली क्लासें होती हैं, तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, तो वो बच्चा हर साल इसी क्लास को अपने मेहनत में लगन और परिश्रम से पास करता हुआ आगे बढ़ता जाता है मतलब। लेकिन जो 4 साल में उसको स्कूल में डाल दिया जाता है 4वें साल के अंदर उसकी एज की, तो ऐसा कहा जाता है कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। तो बच्चा पढ़ाई तो करता ही है लेकिन खासतौर पर उसका मन होता है, ज़्यादातर उसका मन जो होता है वो
मतलब पढ़ता तो है ही, लेकिन उसका जो मन होता है वो हम उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं जो उसको दिखाई देते हैं अपने क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर या गली के अंदर घर के अंदर भी फैमिली मेम्बर्स के अंदर भी, तो उनके संग उसको खेलने कूदने में मस्ती करने में ज़्यादा अच्छा लगता है कहने का मतलब। तो गली में अपने हम उम्र के बच्चों से खेलना, कई बार खेलने कूदने में चोट भी लगती है, कपड़े गंदे भी होते हैं मतलब, तो लेकिन थोड़ी देर के लिए रोता है फिर वापस वो खेलने कूदने लगता है कहने का मतलब। तो हम उनके बच्चों के साथ खेलना खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जैसे ही वो 13 साल कंप्लीट करके 14 साल में प्रवेश करता है तो उसकी चाइल्डहुड टाइम हमारे साथ खत्म हो जाता है, देन वो सिंसियर होने लगता है और बाहर की चीज़ों को क्या अच्छा है क्या बुरा है चीज़ों को समझने लगता है। जैसे कि वो कपड़े गंदे नहीं करता है मतलब, उनको पता था कपड़े गंदे करोगे तो मम्मी मारेगी, उनको कपड़े गंदे प्रॉब्लम होगी टीचर मारेंगे और डांटेंगे कि मुझे होमवर्क टाइम पे करना चाहिए, चीज़ों को सही टाइम पे करना चाहिए मतलब क्या अच्छा है क्या हो रहा है, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है मतलब। वो यह भी देखता है कि जो उसके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे, दादा जी हों या नाना जी हों मतलब, उन्होंने भी अपने टाइम में किसी न किसी फील्ड में अपना मतलब किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर अपना मतलब और आगे अपने फैमिली हमारे फैमिली को संभाला, उनकी हार्ड नीड्स को पूरी की। इस तरीके से उनके फादर भी वो भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बना के आज वो कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारी फैमिली को संभाल रहे और हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं। इस तरीके से आगे आकर भी मुझे किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा और मुझे किसी न किसी अपने आगे आकर फैमिली को संभालना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उन चीज़ों को समझने लगता है कहने का मतलब। तो और जैसे आजकल के टाइम में हमारे पास बहुत सारे मतलब करियर बनाने के लिए बहुत सारे फील्ड्स के ऑप्शंस अवेलेबल, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर और सिंगर, डांसर और सॉन्ग्स राइटर, अच्छी बॉडी या हाइट वगैरह देखो, लोग आर्मी में या जिम ट्रेनर में बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं मतलब। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है अपने फील्ड में करियर बनाने के लिए। तो अब बात आती है हमें अपने ऊपर विश्वास रखने की मतलब, हम हमें पता तो होता है कि हम ये बनना चाहते हैं मतलब, हम हमें हम किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं कि हमारे हमें कि हमें इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है या हम इस फील्ड में ज़्यादा इसको अचीव करेंगे, इसमें अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, हमें इसमें इसको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा कहने मतलब। लेकिन वो इन चीज़ों पर मतलब उनको पता तो होता है कि मेरे को ये बनना चाहता हूँ, बट मैं तो बनूँ कैसे, उनको उनके अंदर जो उनका मतलब जो विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है मतलब, उस पर वो उनका ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कहने का मतलब। तो आपको इस जगह पर यही करना चाहिए कि जब आपको पता चल जाए तो पहली बात तो फर्स्ट आपको मतलब अगर आपने पहचान लिया है तो अच्छी बात है कि आपको बनना क्या एक्चुअली लाइफ के अंदर, और अगर नहीं पहचाना है तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी कि जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे नाम गिनाए अलग अलग फील्ड में करियर बनाने की, तो अगर आप उसमें से कोई चूज करना चाहते हो तो चूज़ कर लीजिए, और उसके अलावा कोई दूसरा है तो जो भी आपका लाइफ का डिसाइड है मतलब, उसको डिसाइड करने के बाद आप ये देखिए कि उसको प्राप्त करने के, उसको अचीव करने के लिए मतलब उसमें क्या क्या टास्क होते हैं या क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या वर्क होते हैं जिसको आपको पूरा करना होगा, देन उसके ऊपर स्टार्ट वर्क कीजिए मतलब, उस पर स्टार्ट कि उसको पूरा करना स्टार्ट करोगे, इसके जो बीच के स्टेप्स होते हैं तभी आप जान पाओगे क्या सही है क्या गलत है कहने के लिए। और 4-5 चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, वो आपका बढ़ेगा। जैसे जो भी आपका लाइफ का गोल है या टारगेट है, जो भी आप बनना चाहते हो, उसके लिए आपको पहले वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो तो हार्डवर्क यानी परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरी आपको अपनी पूरी पूरी 100% एफर्ट देनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तो आपको पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी 100%। तीसरी आपको पूरा पूरा उसी चीज़ से फोकस होकर उस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि आप फोकस होकर करोगे तो आप ज़्यादा इजीली तरीके से आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। फिर चौथी चीज़ वो है आपको उस चीज़ बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, आपको उस चीज़ के बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और पाँचवीं और लास्ट चीज़ वो है पेशेंस यानी धैर्य रखना, क्योंकि आप ध्यान में रखोगे तो क्या थोड़ी देर करोगे आप उस चीज़ को फोकस एफर्ट हार्डवर्क और प्रैक्टिस के साथ, लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो आप छोड़ोगे मैं ये कर ही नहीं सकता, या आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखने के लिए, हाई रखने के लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और आप इन चारों पाँचों चीज़ों का आप यूज़ करोगे मतलब, किसी भी जो भी आपके लाइफ का टारगेट है, गोल है या ड्रीम है, आप देखोगे कि आप धीरे धीरे उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, आप धीरे धीरे उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको सही रास्ते पर जा रहे हो। इससे आपको क्या होगा
आपका जो विश्वास होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो भी आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा कहने में मतलब। तो आपको क्या बोलते हैं, इन चार पांच रूल्स को या स्टेप्स को या टिप्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे जो भी आपके लाइफ में गोल है, टारगेट है, ड्रीम है, उसका धीरे धीरे अचीव कर रहे हो और आपका धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगेगा और बढ़ेगा भी मतलब। तो आपको हमेशा जो अपना कॉन्फिडेंस है, आपको विश्वास है, उसको हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, जो भी आपको काम दिया जाएगा या जो भी करना चाहते हो या जो भी आपको टास्क दिया जाएगा, उसको आप इजीली तरीके से, अच्छे तरीके से आप उसको अपने लाइफ में कंप्लीट कर लोगे और आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माई डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी इस वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, वीडियो के बारे में, और जो हमारा आज का टॉपिक वो है हमेशा तत्पर रहें। और कोई भी आपके कोई अच्छा काम यह रहता है मतलब, या कोई भी प्रोजेक्ट या टास्क दिया जाता है करने के लिए मतलब, चाहे वो आपके ड्रीम से रिलेटेड हो या आपके गोल से रिलेटेड हो मतलब, तो उसको आप मतलब कोई भी अच्छा काम दिया रहता है जो कि आपके फायदे के लिए और सीखने के लिए मतलब, उसको करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें, हमेशा तत्पर रहें, आज हमारा ये टाइटल है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है इस वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, बहुत ही मतलब हर व्यक्ति के लिए मतलब भाग दौड़ हो जाए सबकी ज़िंदगी मतलब। कोई मतलब कोई अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई से उनकी भरी हुई लाइफ है मतलब, पढ़ाई करना है और फिर होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एग्जामिन बनाना है। जो वर्किंग और जो जॉब करने वाले बंदे हैं उनके अपने लाइफ अलग ही एक भाग दौड़ वाली लाइफ हो। सुबह टाइम पर जॉब पर पहुँचना, फिर पूरा काम करना, फिर वापस घर पर भी आना है, फिर दूसरे फॉलोअप वगैरह करते हैं मतलब। तो इस तरीके से मतलब देखा जाता है कि जो हर व्यक्ति की लाइफ मतलब टोटली मतलब भाग दौड़ भरी बनी हुई है। और जब इस वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग जो मतलब क्या बोलते हैं उससे स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग हमें रहने वाले दिखाई देते हैं। कोई रिच फैमिली है, कोई सिंपल फैमिली है, कोई नॉर्मल फैमिली है, कोई मिडिल क्लास फैमिली है। रिच फैमिली के पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, अब बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, नौकर चाकर होते हैं मतलब। और जो वहाँ पे बंदे पढ़ते भी वो भी काफ़ी हाई फाई स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं मतलब, और वो जो चाहते हैं वो इजीली वो खरीद सकते हैं मतलब, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। उसी तरह हम देखते हैं मीडियम क्लास फैमिली जो वो भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके बंदे पैसा तो नहीं होता, लेकिन वो भी अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं नॉर्मल क्लास या सिंपल क्लास फैमिली, ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े जैसे सिटीज में गाँवों से आकर जॉब की तलाश में, रोजगार की तलाश में आकर यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर काम करके वो अपने घर बार को चलाते हैं मतलब। उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं होती, घर भी नहीं होते, कई लोग रहे और यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा से दिल्ली में आ जाते हैं या बड़े सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और वहीं से वो मतलब जैसे ऑफिस जाना होता है तो कई लोग वो साइकिल होते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो कोई ऑटो से या बस से जाते हैं मतलब। और उनकी लाइफ ही और वो कमा कर फिर जो भी उनकी इनकम होती है उससे अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जब इस वर्ल्ड के अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं मतलब, और जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा मतलब पैदा होता है, चाहे वो किसी भी स्टेटस से बिलोंग करने वाले फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, तो पैदा होने के बाद मतलब जो पहले एक से लेकर तीन साल तक की एज होती है मतलब, इस टाइम में वो जो बच्चा होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है मतलब, तो वो खेलना कूदना नहीं मतलब, जैसे खाना पीना सीखता है, उसके दांत वगैरह निकलते हैं, चलना फिरना सीखता है कहने मतलब। तो एक ही तीन साल तक वो सिर्फ यही दो तीन चीज़ों को करना सीखता है, लेकिन जैसे वो 14 साल में प्रवेश करता है मतलब, तब तक वो चलना फिरना, बोलना और खाना पीना सीख जाता है, उसके दांत वगैरह भी निकल गए होते हैं मतलब। तो 14 साल में प्रवेश करते हैं तो बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है और
जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में दो तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहली से पांचवी तक, फिर छठी से लेकर टेंथ तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, छठी से लेकर बारहवीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकेंड, इस तरीके से आगे की क्लासें होती हैं। तो कहने का मतलब, उस बच्चे को फिर स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद वो हर 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 साल वो बच्चा अपनी मेहनत लगन से हर एक क्लास को पास करते हुए फिर आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करता हुआ जाता है। कहने का मतलब, नर्सरी केजी एलकेजी यूकेजी फिर फिफ्थ फिर टेंथ फिर ट्वेल्थ तक कॉलेज की आगे पढ़ाई अपनी पूरी करता हुआ जाता है। लेकिन वो जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, तो जैसे जैसे कि मैंने बताया कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज होती है इस बच्चे की, वो एक बचपन का टाइम होता है। इस टाइम में बच्चा अपनी पढ़ाई ना करता है एक साथ में, क्योंकि बचपन का समय होता है, चाइल्डहुड टाइम होता है। इस एज में उस बच्चे को हम उनके बच्चों के साथ जो उसके क्लास में होते हैं, स्कूल में होते हैं, गली में होते हैं, घर के अंदर होते हैं, उनके साथ उसको खेलने कूदने में और उनके साथ रहने में काफ़ी मज़ा आता है। मतलब तो इसलिए मतलब वो खेलता कूदता है, हम उनके बच्चों के साथ मतलब पढ़ाई भी करते हैं। कई बार उसको खेलने कूदने चोट वगैरह लगती है, कपड़े गंदे होते हैं, बाल भी गंदे होते हैं, बट वो इन चीज़ों की उतनी केयर नहीं करते, क्योंकि उसको खेलने कूदने में हम उनके बच्चों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है मतलब, तो उसका चाइल्डहुड टाइम खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे वो फिर 14 साल में प्रवेश करते ही, 14 में प्रवेश करते ही वो धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को समझने लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या सही है क्या गलत है। वो अपने कपड़े नहीं गंदे करता है, पता होता है कि मैडम मारेगी, क्लास टीचर मारेगी, मम्मी मुझे डांटेगी क्योंकि कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से वो ये भी देखता है कि मतलब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा जी हैं, नाना जी हैं, उन्होंने अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर उन्होंने आगे की पूरी लाइफ जी और उन्होंने फैमिलीज को संभाला, उनकी नीड्स को पूरी की। उस तरीके से उनके फादर वो भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के मतलब और आज हमारे फैमिली को संभालने, हमारे नीड्स को पूरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, आगे जाकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर मतलब अपना मतलब जो फैमिली है उसको मतलब फैमिली को संभालना पड़ेगा और किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के अपने आप को कहीं ना कहीं पे सेटल करना पड़ेगा। कहने का मतलब, तो उसको इन चीज़ों के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब बात आती है कि क्योंकि हमारे आजकल बहुत सारे मतलब जैसे अगर क्या बोलते हैं फील्ड में करियर बनाने की बात करें, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर और क्या सिंगर, डांसर और फोटोग्राफर, और बॉडी अच्छी खासी होती है, हार्ट वगैरह होते हैं, तो आर्मी में भी भर्ती हो जाते हैं, बॉडी बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जिम ट्रेनर भी बन जाते हैं। कहने मतलब पहले तो यहीं पर हम बात करेंगे, हम मेरा तत्पर रहे, तो मतलब आपने आप उस एज पे पहुँच चुके हो कि 18, 19 या 20 साल तक पहुँच चुके हो, तो वहाँ से अब हम वर्क करते हैं जो हमें लाइफ में बनना होता है। तो कहने मतलब फिर आपने डिसाइड पे कर लिया है मतलब कि आपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो कहने मतलब जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे लाइफ में ये बनना है या जो भी करना है मतलब, तो आपको उसके बाद उस गोल से रिलेटेड, उस ड्रीम से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड जो भी आपको काम मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं या कुछ भी करने को मिलता है, उनको करने के लिए आपको हमेशा फिर तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि आप तत्पर रहोगे तभी आप उन असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स या उन टास्क को आप कर सकते हो, उनका उन वर्क को करोगे और करोगे तभी आप उस चीज़ को सीखोगे भी, और सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने परसेंट ओके हो और कितने परसेंट नहीं हो। कहने का मतलब तो सीधा सीधा यही है कि जब भी आप अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या अपने लाइफ में जो भी आपको बनना है उस फील्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हाँ मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट है या मैं इसमें बनना चाहता हूँ, इसमें इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा है मतलब, तो उसमें अपना इंटरेस्ट लेवल जानने के बाद आपको जो भी बताया जाता है या जो भी आपको करने को दिया जाता है मतलब, उसको करने के लिए आपको मेरा तत्पर रहना चाहिए। तत्पर रहने से ही आप अपने अंदर की जो भी आपको करने को मिलेगा उसको आप देखते हुए करने के बाद आप धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें आप परिपक्व आप होते जाओगे मतलब, और वन डे आप जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है या टारगेट है या गोल है या मतलब जो भी आप अचीव करना चाहते हो मतलब, एक ना एक दिन आप जरूर अचीव करोगे। तो कहने का मतलब यहीं पर हमने हमेशा तत्पर रहने के महत्व के बारे में पता चलता है कि हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा तत्पर रहना चाहिए जो भी हम अपने लाइफ में बनना चाहते हैं। क्योंकि कभी भी हमने डिसाइड तो कर लिया होता है, लेकिन हमें पता नहीं था कब हमें उससे रिलेटेड हमें कोई
टास्क मिल जाए या करने को मिल जाए, मतलब क्योंकि अगर हम डिसाइड कर लिया होता तो जाहिर सी बात हम उस पर वर्क करना स्टार्ट तो करेंगे, और वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो हमें टास्क तो मिलेगा ही, कहने का मतलब। तो ये थे दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो, कि जीवन में हमेशा जो भी हम बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमें कभी भी अगर कोई टास्क या असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब तो उसको, या कोई भी अच्छा काम मिलता है हमें करने के लिए, तो उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि तत्पर रहने से हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, उनको करेंगे, सीखेंगे और अपने लाइफ में फिर ग्रोथ करेंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छे व्यक्ति बनेंगे। तो दोस्तों कैसे लगा आप सबको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि हम अपने सपने को कैसे साकार करें, यानी हम अपने जीवन के अंदर जो भी हमारा सपना है बनने का उसको हम कैसे साकार करें, अपने सपने को कैसे साकार करें, आज का हमारा ये वीडियो का टाइटल है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, उसके अंदर जो लोग रहते हैं, मतलब हर व्यक्ति की लाइफ आजकल के जो आधुनिक आजकल तो दौर चल रहा है आजकल का, मतलब आधुनिक दौर में हर व्यक्ति की लाइफ काफ़ी भागदौड़ भरी है, हर व्यक्ति लाइफ में अपने आप में मतलब उलझा हुआ है और काफ़ी बिजी है कहने का मतलब, और इस हर व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे वर्क है, मतलब जैसे स्टूडेंट है तो उसको अपना पढ़ाई का लोड है, और जो भी दूसरे असाइनमेंट मिलते हैं प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसका अपना वर्क लोड है, जो बंदा काम करता है जॉब पे रहता है उसका अपना अलग वर्क लोड है, या उसको अपना स्ट्रेस है, मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी कहने का मतलब। और इस वर्ल्ड के अंदर जैसे मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिच वगैरह रिच है, हाई सोसाइटी में रहता है, मतलब तो उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मतलब जैसे रिच फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास, सिंपल क्लास फैमिली, तो रिच फैमिली के पास उसके पास सारी सुख सुविधाएं, वो अच्छे से रह रहा है, बैंक बैलेंस से गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी और सब कुछ है, नौकर चाकर भी है। दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास फैमिली में रहता है उसके पास घर बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसका घर है और गाड़ियाँ वगैरह भी, अच्छी पढ़ाई लिखाई उसने कर रखी है तो अच्छी जॉब भी है। तीसरी तरफ जो सिंपल या नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे वो लोग होते हैं जो खास तौर पे मतलब गांव से शहरों की तरफ आते हैं रोजगार की तलाश में अपने फैमिली के साथ, और अकेले भी आते हैं बैचलर में, बैचलर के रूप में, तो कहने मतलब तो यहीं पर जैसे यूपी, बिहार, झारखंड या उड़ीसा से लोग दिल्ली या बड़ी जो सिटीज होती हैं चेन्नई या बैंगलोर या जहाँ भी उनको जॉब मिले वहाँ पर जाते हैं रहने के लिए, ताकि वहाँ पर वो काम करके अपने फैमिली के नीड्स को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके और उनका ध्यान रख सके मतलब। तो ऐसे लोगों के पास कई सारे लोग ऐसे रेंट पे भी रहते हैं और उनके पास कुछ गाड़ियाँ भी नहीं होती, कई लोग साइकिल से आते हैं अपने जहाँ पर भी जॉब वगैरह करते हैं, मतलब कई लोग बस या ऑटो पकड़ कर वहाँ पर जाते हैं, और ऐसे लोगों का जीवन जो होता है काफ़ी स्ट्रगल वाला होता है, काफ़ी उनको मतलब काफ़ी मेहनत करना पड़ता है लाइफ के अंदर, उनकी इनकम भी कम होती है मतलब। तो कहने के मतलब इस भाग दौड़ भरी लाइफ में और इस ऐसे जीवन के अंदर, मतलब जो ये विश्व के अंदर चल रहा है, मतलब ऐसा तो जब कोई बच्चा पैदा होता है इस वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टेटस से बिलोंग करने वाली क्यों ना फैमिली हो, तो वो पैदा होता है तो पैदा होने के बाद एक्चुअली जब वो 1 से 3 साल का उसका टाइम होता है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो नवजात शिशु होता है, तो मतलब वो इस एज में 1 से 3 साल तक मतलब वो खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है अपने पैरों पर मतलब। तो उसके बाद जैसे वो 1 से 3 साल मतलब 3 साल कम्प्लीट हो जाता है, मतलब उसकी एज कम्प्लीट हो जाती है, तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, क्योंकि बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है मतलब, और खाने पीने भी लगता है, तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। और आमतौर पर जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो कि पहले से स्टार्ट होता है 5वीं तक, फिर 6वीं से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी, या 6वीं से लेकर 12वीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, तो नर्सरी के जी, एल के जी, यू के जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है जो 4 साल में
मतलब उसकी 14 साल में प्रवेश कर लेता है। मतलब स्कूल में डालने के बाद वो बच्चा जो होता है पढ़ाई तो करता ही है, साथ में क्योंकि उसकी जो एज होती है, ऐसा कहा जाता है कि 4 साल से लेकर 13 साल तक जो एज होती है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है। मतलब तो बच्चा पढ़ाई तो करता ही, साथ में जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसकी क्लास के अंदर हो, चाहे उसके स्कूल के अंदर हो, या गली के अंदर हो, या घर के अंदर हो, मतलब हम उम्र के बच्चों के साथ ही उसको खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब हम उम्र के बच्चों के साथ मस्ती करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब तो खेलने कूदने में कभी उसको चोट भी लगती है, मतलब और कपड़े भी गंदे होते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चोट भी लगती है, तो कुछ टाइम के लिए उसको एहसास होता है, कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए फिर से वापस वो खेलने कूदने के मूड में ही होता है। इस तरीके से उसका लाइफ चलता रहता है 13 साल तक, क्योंकि 13 साल का चाइल्डहुड का टाइम होता है। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है, 14 ईयर में, तो वहाँ उसके बाद चाइल्डहुड का जो टाइम होता है खत्म हो जाता है। देन वो बच्चा क्या सही है क्या गलत है, अपने कपड़ों को गंदे नहीं करना चाहिए, वो चीज़ों को समझने लगता है कि मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, कपड़े गंदे नहीं करने हैं, कोई कपड़े गंदे करो तो मम्मी मारेगी, क्योंकि उनके कपड़े धोने प्रॉब्लम होगी, टीचर मारेंगे, तो मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, होमवर्क वगैरह सब कुछ अच्छे से करना है, अच्छे से स्टडी करना है। वो ये भी देखता है कि जो उसके फैमिली में जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो दादाजी हो या नाना जी हो, उन्होंने भी अपने अपने टाइम में कितना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर, और उन्होंने फिर उस इसी में जॉब किया या बिजनेस किया और हमारे घर को संभाला, और फिर हमारे जो हमारे फादर भी हैं वो भी कितना किसी फील्ड में करियर बना के हमें हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, हमको संभाल रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं। आगे अगर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना होगा और आगे की लाइफ को जीना होगा, कहने का मतलब। तो जैसे आजकल के टाइम में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध हैं फील्ड, किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, फोटोग्राफर। अगर बॉडी अच्छी खासी हाइट वगैरह होती है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, मतलब उसके अलावा बहुत सारे और भी, बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब लेकिन ज़रूरत है तो आपको पहले पहचानने की, मतलब कि जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है या गोल है या जो भी आप बनना चाहते हो, मतलब जो अपना, जैसे मैंने बताया कि अपने सपने को साकार कैसे करें, जो आपके जीवन का सपना है आपका बनने का, उसको हम साकार कैसे करें, उसको कंप्लीट कैसे करें, तो पहले तो आपको यही करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से फील्ड में या किस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर जो भी आपका काम जिस फील्ड से कनेक्टेड होता है या रिलेटेड होता है, उस फील्ड को आप चूज़ कीजिए और उस पर स्टार्ट कीजिए वर्क करना, कहने का मतलब। उस पर आप स्टार्ट वर्क करेंगे तो आपको उसी चीज़ को करने में आगे ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप साकार कैसे करोगे, तो उसके लिए जैसे कि हम जब डिसाइड कर लिया होता है कि हमारा लाइफ का ये सपना है, इसको हमें साकार करना है, तो आपको 4-5 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उसको साकार करने के लिए। क्योंकि अगर आपका ड्रीम है या सपना है, मतलब तो आपको उसके अंदर एक्टिविटी मिलेगी, वर्क भी मिलेगा, टास्क भी मिलेगा, असाइनमेंट भी मिलेगा, प्रोजेक्ट भी मिलेगा करने को, तो आपको करने के लिए आपको 4-5 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पहला हो गया आपका जो भी सपना है उसको साकार करना चाहते हो, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट हार्डवर्क यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, जो आपको उस चीज़ को फोकस होकर करना पड़ेगा, जो भी आपको टास्क, एक्टिविटी या प्रोडक्ट दिया जाते हैं उस काम के अंदर, जो आपके लाइफ का ड्रीम है जिसको साकार करना चाहते हो, तो आपको पहला हार्डवर्क, दूसरा आपको उसकी फोकस करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। तीसरी चीज़, आपको पूरी पूरी एफर्ट देने पड़ेगी, 100% आपको अपनी पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी उसको और करने के लिए। चौथी जो है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की बार बार, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप जान पाओगे कि वो जो वर्क है या प्रोजेक्ट है वो कितना परसेंट ओके है, कितना परसेंट ओके नहीं है। तो जितना परसेंट ओके वो अच्छी बात है, जितना परसेंट ओके नहीं है उसका और इम्प्रूवमेंट कीजिए। क्योंकि बोलते हैं प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति को पता चलता है कि कितना परसेंट परफेक्ट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो फिफ्थ चीज़ है, पांचवी चीज़ है, वो ये है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि धैर्य रखोगे तभी आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब क्योंकि जो बड़े लाइफ के गोल होते हैं या सपने होते हैं वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में अचीव नहीं होते, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा आपको उसको अचीव करने के लिए। मान लो किसी को सिंगर बनना है या डांसर बनना है या कोरियोग्राफर बनना है, तो जैसे मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ, मुझे 3 साल हो गए सिंगिंग सीखते हुए, तो उसमें अभी और डाल, क्योंकि इसमें रागे होते हैं, अलंकार होते हैं, या सरगम होता है, आकार होता है, तो इसमें उन चीज़ों को आप सीख के अपने आप को परिपक्व करना होता है, बेटर बनाना होता है, तो इन चीज़ों को सीखने पर टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने मतलब जो आप अपने जीवन में सपने को साकार करना चाहते हो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखने से ही आप जो भी आपको
टास्क मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, वर्क मिलता है या असाइनमेंट मिलता है, जो भी आपके लाइफ का सपना है जिसको आप अचीव कर रहे हो लाइफ के अंदर, तो आप पेशेंस रखोगे तो आप उसको धीरे धीरे अच्छे से कर पाओगे और उस पर अपना पूरा फोकस, हार्डवर्क, प्रैक्टिस और पूरा पूरा एफर्ट दे पाओगे। तो जैसे मेरा होता है कि पाँच चीज़ें, हार्डवर्क, प्रैक्टिस, फोकस, एफर्ट एंड पेशेंस, आपको इन चार पाँच चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, जो भी आपके लाइफ का जो ड्रीम जिसको आप साकार करना चाहते हो, तो आप देखोगे एक ना एक दिन आप जरूर अपने सपने को साकार करोगे, अच्छे तरीक़ों से करोगे और अच्छे रिजल्ट के साथ करोगे। मतलब बात आप और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मतलब और जो भी आप जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो जो भी आपके लाइफ का जीवन का सपना है वो साकार जरूर होगा और एक ना एक दिन आप उसको साकार जरूर करेंगे। दोस्तों तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, फिर अपने ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड, मतलब मोटिवेशन के अंदर हम हेल्थ पे बात करेंगे, मतलब कि क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक, क्योंकि हमारा हेल्थ अच्छा है मतलब तो हम अच्छे हैं। हेल्थ हमारे लिए बहुत, हेल्थ का स्वास्थ्य होना मतलब हमारे शरीर का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कंपल्सरी भी है कहने का मतलब। तो एक कहावत भी है हिंदी के अंदर कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया कहने का मतलब। तो हमारे आज के इस वीडियो के ही टाइटल है सबसे बड़ा सुख निरोगी का, कहने का मतलब जो जीवन में सबसे बड़ा सुख है वो ये है हमारे शरीर का स्वास्थ्य होना, निरोगी होना कहने का मतलब। क्योंकि जब हमें हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता है, हम निरोगी होते हैं, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, देखने में भी, खाने में भी, महसूस करने में भी मतलब। और हमें कोई अगर जब हमारे शरीर को कोई रोग पकड़ लेता है तो हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे मान लो अगर हमें बुखार हो जाता है मतलब, तो हमें खाने पीने की चीज़ें कड़वी लगने लगती हैं, हमें नींद ज़्यादा आती है, हमारा शरीर भारी हो जाता है मतलब, और बाहर मतलब शरीर में जब थकावट सी फीलिंग होती है कहने का मतलब। मतलब हमें कोई भी अगर मान लो जैसे और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती, मतलब कोई भी हमें बीमारी पड़ती है पकड़ती है मतलब, तो हमें अच्छा फील नहीं होता है, हमारा स्वास्थ्य जो होता है बिगड़ जाता है मतलब, और हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं मतलब खाने पीने वाली या बाहर देखने में, मतलब क्योंकि हमारे शरीर काम करना बंद कर देता है मतलब, उतना ज़्यादा शरीर में पावर नहीं रहता मतलब, बोल नहीं रहता क्योंकि हमारा शरीर रोगी हो चुका होता है। इसलिए जब हमारा शरीर निरोगी होता है मतलब, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो बाहरी चीज़ हो, चाहे घूमने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, मतलब हर चीज़ हमें अच्छी लगती है कहने का मतलब। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आजकल के टाइम में, जब मैंने इस वीडियो को थोड़ा को बता ही रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो सुख है वो है हमारे शरीर का स्वास्थ्य होना, मतलब निरोगी काया वाला होना। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर हम अपनाएंगे तो हम हमेशा लाइफ में हेल्दी रहेंगे, निरोगी रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। जो बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम और ज़्यादा लाइफ में अच्छे रहेंगे और हम अपने लिए भी यही कह सकेंगे सबसे बड़ा सुख निरोगी का है कहने का मतलब। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनको अगर हम लाइफ में अपनाएं मतलब, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे मतलब। दोस्तों पहली अच्छी हैबिट्स वाली टिप वो ये है कि हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए कहने का मतलब। तो सुबह जल्दी उठने की आदत मतलब सुबह उठा और सुबह जल्दी उठने के बाद हमें तो क्या, हमें सुबह जल्दी उठना 4 या 5 बजे या मैक्सिमम 6 बजे उठना, मतलब कितना भी अगर डिले करो 6 बजे तक उठ जाना है और कोशिश करो कि 5 बजे तक अर्ली मॉर्निंग में उठना, मतलब पहला जो है वो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी। दूसरा सुबह उठने के बाद करना क्या है, सुबह उठने के बाद 3-4 चीज़ें अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि पहला जो है वो ये है कि आपको सुबह उठने के बाद या तो वॉक पर जाना है मतलब, वॉक करने से आपका जो हेल्थ होता है वो काफ़ी फिट रहता है मतलब, और आप काफ़ी हेल्दी दिखते हैं, आपका शरीर फिट रहता है, आप काफ़ी तंदुरुस्त
दिखते हैं क्या नहीं वाला। वॉक करने के साथ साथ आप अगर फीमेल है वैसे तो योगा जो होता है कोई भी कर सकता है, तो आप अगर योगा के 10-15 आसन वगैरह करें 5 से 10 मिनट तक 20 मिनट तक, तो वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी उपयोगी होगा, मतलब जिससे आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो आप वॉक कर सकते हैं सुबह उठकर, योगा वगैरह कर सकते हैं। तीसरा आप कर सकते हैं सुबह उठकर मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करना भी आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा। आजकल 2-3 तरह का मेडिटेशन होते हैं, एक होता है म्यूजिकल मेडिटेशन जिसको आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, बहुत सारे ऐप वगैरह भी होते हैं जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं म्यूजिकल मेडिटेशन से। उसमें क्या होता है म्यूजिक प्ले हो रखी होती है, उसको सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के हेडफोन लगा कर सुनना होता है, तो आप सुबह के टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है आप चैंटिंग कर सकते हो, जैसे कई लोग सुबह के टाइम 5 से 10 मिनट या 20 मिनट जैसी उनकी क्षमता होती है उसके हिसाब से वो लोग ओम चैंटिंग करते हैं, क्योंकि ओम अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल मंत्र है। तो जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं मतलब, तो एक वाइब्रेशन से हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमता है कहने का मतलब। तो आप सुबह के टाइम जल्दी उठने के बाद ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, ये भी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी उपयोगी होगा, और इससे भी आप एकदम फ्रेश फील करेंगे, काफ़ी हल्का फील करेंगे। फिर सुबह उठकर 4-5 चीज़ें, इसमें से कोई भी एक या दो चीज़ करने का, मान लो वॉक कर लिया या मेडिटेशन कर लिया या योगा कर लिया या फिर कई लोग सुबह के टाइम जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो सुबह के टाइम, जैसे आजकल काफ़ी सारे लाफिंग क्लब्स खुले हुए हैं मतलब आसपास देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लोग जैसे कहते हैं कि हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है। तो आप क्या बोलते हैं, आपको सुबह के टाइम कम से कम 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक खुल के हंसना चाहिए खाली जगह पर। जैसे अगर आप किसी लाफिंग क्लब में ज्वाइन है तो वहाँ पर सभी लोग जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहाँ पर जाकर अपने आप को खुल कर हंसने की कोशिश करते हैं, और आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो जैसे घर में अगर आप हंसोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग को उस टाइम की मतलब, जैसे कई लोग आप सुबह जल्दी उठ जाओगे लेकिन कई लोग उस टाइम भी सो रहे होते हैं, मतलब जैसे जॉब करने वाले जो होते हैं घर के अंदर नींद पूरी नहीं हो ना हो पाने के कारण, थके होने के कारण। तो आप छत के ऊपर जाकर खुलकर हंस सकते हो, मतलब खुलकर हंसने से क्या होगा कि आपको और ज़्यादा एक फ्रेश फीलिंग होगा, और खुलकर हंसने से क्या होता है जो हवा होती है फ्रेश जो ब्रीथ होती है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर पहुंच जाती है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आपको सुबह उठकर ये भी आप कर सकते हो कि लाफिंग भी कर सकते हो कहने का मतलब। उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो उसके बाद आप फ्रेश हो मतलब, और अगर आप जॉब पर जाते हो तो फ्रेश होने के बाद आप क्या बोलते हैं फिर अपने टाइम पर ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आप जहाँ भी आप जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पर आप जॉब के लिए जाएं, फिर वहाँ पर जो दोपहर का टाइम होता है आप टाइम पर अपना लंच कीजिए, लंच करने के बाद फिर जब आप शाम के टाइम आप ऑफिस ख़त्म होता है तो वापस ऑफिस आइए, मतलब ऑफिस वापस घर पर आने के बाद फिर थोड़े टाइम आप घर के अंदर थोड़ा सा वॉक कीजिए कहने का मतलब। वो जैसे आप घर पहुँचते हैं तो पानी पीते हैं लोग, चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद एकदम से मतलब जो शरीर की सुस्ती चली जाती है, उस टाइम 5 से 10 मिनट वॉक कर लेना चाहिए घर के अंदर, थोड़ा सा वॉक कर लिया उससे भी क्या होता है कि आपकी बॉडी काफ़ी हल्का, और जो दिन भर के वर्कलोड या बहुत सारे काम किए होते हैं उससे भी आपको थोड़ा सा हल्का फील होगा। फिर आपको जो भी हम दिन भर में 3 या 4 टाइम खाना खाते हैं मतलब, उसमें भी आपको हेल्दी फूड्स ही खाने चाहिए। जैसे हेल्दी फूड्स के अंदर कहने मतलब आपको, जैसे अगर आप सुबह के टाइम उठते हैं तो कई लोग ब्रेड बटर खाते हैं, कई लोग जूस वगैरह पीते हैं, अच्छा होता है मतलब। उसके अलावा जब आप लंच पैक करते हैं तो लंच के अंदर कम से कम आप फ्रूट का सैलड रख लें या फिर वेजिटेबल का सैलड रख लें मतलब, और खाने के साथ उसको ज़रूर खाएँ। फिर जब आप शाम को घर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दही हो गया या सैलड हो गया, कोई ना कोई फ्रूट्स ज़रूर खाएँ, वो भी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा कहने मतलब। हमें जो हमारे 3 या 4 टाइम की डाइट होती है उस डाइट में हमें कम से कम हेल्दी फ्रूट मतलब हेल्दी फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल्स हो गया जिससे हमें प्रोटीन विटामिन आयरन मिलता हो, उन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। और एक्चुअली आप और कर सकते हो हेल्दी रहने के लिए कि आप जैसे जो चना होता है काला चना होता है या काले चने को, और जो मूंग की दाल होती है अंकुरित वाली मतलब, उसको आपने दोनों को एक एक मुट्ठी लेकर मतलब एक कटोरी में भिगो दिया, उसको आप भिगोने के बाद जैसे आज आप भिगोगे तो कल सुबह तक फूल जाता है उसको, आपने फिर उसको 24 घंटे का टाइम लगता है कहने के मतलब। तो जैसे आज भिगोया तो कल सुबह उसको फूलने के बाद किसी कपड़े के अंदर उन दोनों को काले चना मूंग की दाल को आपने एक साथ रख के उसको गांठ मार दिया, देन 24 घंटे बाद आप खोलोगे उस गांठ को तो उसमें से उन दानों के अंदर से ना एक पीछे से
आपको अंकुरित हो जाएगा, छोटे छोटे पूछे निकल आते हैं कहने में मतलब, तो वो काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी होती है कहने में, तो उनको भी आप अपने डेली खाने की उसमें ला सकते हो अगर आप हैबिट बनाओ तो, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर दिन भर की सारी चीज़ें हम मतलब ख़त्म कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं कहने में मतलब, तो आपको रात को जल्द से जल्द सोने की कोशिश करनी चाहिए मतलब, जो भी कम से कम आमतौर पर जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए एक स्वस्थ रहने के लिए मतलब, तो आपको कम से कम 10 या 11 बजे तक सो रहना चाहिए, ताकि अगर आप सुबह 6 बजे भी उठते हो तब तक भी आप 7 घंटे की आप नींद आराम से ले लोगे, जो कि हेल्दी बॉडी के लिए काफ़ी आवश्यक है मतलब। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिसको मैंने बताया कि अगर आप इन टिप्स को अपने लाइफ में लाएंगे, इनको यूज़ करेंगे, उस पर गौर करेंगे या इनको अपनाएंगे, तो आप अपने लाइफ में मतलब निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे और खुश रहेंगे। और आप कह सकेंगे कि आप यह भी कह सकेंगे कि सबसे बड़ा जो सुख है वो है निरोगी काया का होना, क्योंकि जब आप हेल्दी होते हो तो आपको लाइफ की हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो या फिर घूमने की हो। दोस्तों कैसे लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, के लिए टेक केयर।